जैसे राजा के समीप में कोई नहीं होता, तैसे ही मेरे निकट मन और इंद्रियां कोई नहीं। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ, भोगों से मुझे क्या प्रयोजन है कि उनसे मिलकर दीनता को प्राप्त हूँ। मुझको इनके साथ कुछ प्रयोजन नहीं, चिर पर्यंत रहें अथवा अभी नष्ट हो जावें। इनके नाश होने से मेरा नाश नहीं होता और ठहरने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। मैंने इनसे आपको भिन्न जाना है, जैसे तिलों से तेल निकाल लिया तब फिर तिलों में नहीं मिलता और दूध से माखन निकाल लिया तब फिर दूध में नहीं मिलता, तैसे ही विचार करके अपना आप निकाल लिया तब फिर इनके साथ नहीं मिलता। मैं शुद्ध चिदानंद आत्मा हूँ, सब जगत मेरे आश्रय है और सब में मैं एक ही अनुस्यूत व्यापा हूँ। अब मैं उसी स्वरूप में स्थित हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ऐसे विचार कर उद्दालक ब्राह्मण विषयों की वृत्ति और निवृत्ति करके पद्मासन बाध प्रणव अर्थात अर्धमात्रा और अकार उकार मकार की क्रम से उपासना करने लगा और प्राणायाम करके मात्रा का ध्यान किया। अकार ब्रह्मा, उकार विष्णु, मकार शिव और अर्धमात्रा तुरिया, इनकी क्रम सहित उपासना करने लगा। प्रथम रेचक प्राणायाम करने लगा और अकार की ध्वनि के साथ रेचक किया। उससे सब प्राण वायु भीतर से निकले और हृदय शून्य और शुद्ध हुआ, जैसे अगस्त मुनि ने समुद्र को शून्य किया था और आकाश से ऐसी ध्वनि हुई जो ब्रह्मा विष्णु और रुद्र पर्यंत चली गई और देहाभिमान को त्याग कर पुर्यष्टक को सुषुम्ना के मार्ग में प्राप्त किया। जैसे पक्षी आलय को त्याग कर आकाश मार्ग को उड़ता है, तैसे ही उद्दालक ने पुर्यष्टक को ब्रह्मरंध्र में स्थित किया। हठ करने से दुख होता है, इस कारण जब तक सुख रहा तब तक स्थित रहा और जब थका और पुर्यष्टक का वायु अधः से आया तब उकार विष्णु रूप की ध्वनि और ध्यान के साथ कुंभक किया। जब सब प्राण वायु को आधार चक्र में रोका, न नीचे जावे न ऊपर आवे, तो प्राण स्थित हुए और उससे अग्नि निकली जिससे इसके सब पाप पूर्ण जल गए। उसमें जब तक सुख रहा तब तक स्थित रहा, क्योंकि हठ योग दुखदायक है। और फिर मकार की ध्वनि से रुद्र का ध्यान करके पूरक प्राणायाम किया। पूरक प्राणायाम करके सब स्थान वायु से पूर्ण किए और ऊर्ध को चित्तकला प्राप्त हुई। उससे यह औरों को पवित्र करने वाला हुआ, जैसे धुआं आकाश को जाता है और जल पाकर औरों को शीतल करने वाला होता है, तैसे ही इसका शरीर औरों को पवित्र करने वाला हुआ। जैसे मंदराचल से मथे हुए क्षीर समुद्र से कल्प वृक्ष निकला, तैसे ही इसके शरीर में प्राण वायु स्थित हुई और पद्मासन बांधकर इंद्रियों को रोका। जैसे हाथी बंधनों से बंधता है, तैसे ही उसने इंद्रियों को रोका। अर्धमात्रा जो तुरिया पद है, उसके दर्शन के निमित्त यत्न करने लगा। उसने नेत्रों को आधा मूदा और बाह्य विषयों को त्याग इंद्रियों को भी त्याग किया और प्राण अपान को मूल चक्र में रोका, जिससे नौ द्वार रोके गए। जैसे बालक के खेलने का पानी चोर होता है और उसके मूदने से चलता पानी सब छिद्रों से रोका जाता है, तैसे ही मूल चक्र के रोकने से नौ द्वार रोके गए। इस प्रकार उसने चित्त को रोका और जब मन रूपी चंचल मृग दौड़ा तब वैराग्य और अभ्यास के बल से फिर उसे रोका। जैसे बांध से जल का वेग रुकता है, तैसे ही उसने सब चित्त को स्थित किया। तब अंतःकरण की जो सात्विकी वृत्ति है उसको भी त्याग कर स्थित हुआ। जब मन की वृत्ति जो निद्रा रूप है उसमें मन मूर्छित हो गया, तब राजस तामस का प्रवाह फिर फुरने लगा और उसको आत्मविवेक से निवृत्त किया। जैसे प्रकाश तम को निवृत्त करता है, तैसे ही इस विकल्प रूपी तम को उसने निवृत्त किया और विवेक के बल से चित्त कला में लगा और चित्त की वृत्ति से साक्षात्कार किया, पर उसमें एक क्षण चित्त स्थित रहा और फिर बाहर निकल गया। जैसे बांध को तोड़कर जल निकल जाता है, निदान उसने फिर अभ्यास के बल से उसे आत्मकला में लगाया
तब उस परम शांत आत्म पद में चित्त की वृत्ति स्थित हुई और परम आनंद अमृत में मग्न हुई, जो अशब्द आनंद और परिणाम से रहित है और जिस पद में देवता ऋषीश्वर ब्रह्मा विष्णु और रुद्र स्थित हैं। हे राम जी, जो उस पद में एक क्षण भी स्थित हुआ है और जो वर्ष पर्यंत हुआ है, दोनों तुल्य हैं। जिसको उस पद का अनुभव हुआ है वह भोगों की इच्छा नहीं करता। जैसे जिसने स्वर्ग का नंदन वन देखा है वह कंज के वन को देखने की इच्छा नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान भोगों की वांछा नहीं करता और शोक कदाचित नहीं उपजता। जैसे जिसको राज्य हुआ है वह दीनता को प्राप्त नहीं होता, तैसे ही जिसने आत्मपद में स्थिति पाई है उसको विषयों की तृष्णा और शोक नहीं उपजता। हे राम जी, जब इस प्रकार उद्दालक स्थित था तब सिद्ध गंधर्व और विद्याधरों के गण, जिनके मुख चंद्रमा की भांति थे, उसके निकट आए और नमस्कार करके बोले, हे भगवन, स्वर्ग में चल के दिव्य भोग भोगो, तुमने बड़ी तपस्या की है। धर्म अर्थ और पुण्य का सार काम है और काम का सार जो स्त्रियां हैं वे तुम्हारे भोगने के निमित्त हैं, जिनसे स्वर्ग भी शोभता है। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी और पुष्पों से पृथ्वी शोभती है, इससे तुम विमानों पर आरूढ़ होकर स्वर्ग में चलो और बहुत काल पर्यंत भोग भोगो। हे राम जी, जब सिद्धों ने इस प्रकार बहुत कहा तब उद्दालक ने उनको अतिथि जानकर निरादर तो न किया, किंतु यथा योग्य पूजा करके हंसा और कहा कि हे सिद्धों, तुमको नमस्कार है, आओ। पर वह उनकी सिद्धता में आसक्त न हुआ, क्योंकि परमानंद में स्थित था और विषयों के सुख तुच्छ जानता था। जैसे अमृत खाने वाला विष की इच्छा नहीं करता, तैसे ही उद्दालक सुख को न चाहता था। कुछ दिन रहकर सिद्ध पूजते रहे और फिर उठ गए, पर यह परम पद में स्थित रहकर अपने प्रकृत व्यवहार करता रहा। फिर मेरु और मंदराचल पर्वत में बिचरा और कंदरा में ध्यान लगा बैठा, कहीं एक दिन भर बैठा रहे और कहीं वर्षों के समूह बीत जावें। इस प्रकार समाधि करके उतरा, फिर समाधि लग गई। हे राम जी, चित्त तत्व के अभ्यास से चैतन्य तत्व को प्राप्त होता है। दिशा में जैसे चित्र का सूर्य होता है तैसे ही उदय अस्त से रहित हो उसने परम उपशम पद को पाया, चित्त भली प्रकार शांत हो गया और जन्म रूपी फांसी को तोड़ उसका देह रूपी भ्रम क्षीण होकर शरत काल के आकाशवत निर्मल हुआ। विस्तृत और उत्कृष्ट प्रकाश रूप उसका वप हो गया। तब वह सत्ता सामान्य में स्थित होकर विचरने लगा और परम शांति को प्राप्त हुआ। इति योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे उद्दालक विश्रांति वर्णन नामी कौन 57 सर्ग। राम जी ने पूछा, हे आत्म रूप, आप ज्ञान दिन के प्रकाश करता सूर्य हैं, संशय रूपी तृणों के जलाने वाले अग्नि हैं और अज्ञान रूपी तापों के शांति करता चंद्रमा हैं। हे ईश्वर, सत्ता सामान्य का रूप क्या है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जगत के अत्यंत अभाव की भावना करके जब चित्त छीण हो और उसमें जो शेष रहे सो सत्ता सामान्य है। जब चित्त से रहित आत्मसत्ता हो और उसमें चित्त लीन हो जावे तब सत्ता सामान्य उदय हो। जो सत्य है सो ही सत्ता सामान्य है। हे राम जी, जब सब प्रपंच शांत होकर शुद्ध बोध हो, भीतर बाहर का व्यवधान मिट जावे और सब जगत एक रूप होकर समाधि और उत्थान एक सा हो जावे, ऐसी दशा की जो प्राप्ति है सो ही सत्ता सामान्य है। वह देह के होते ही विदेह रूप है और उसको तुरीयातीत पद कहते हैं। समाधि में स्थित हो तो भी केवल रूप है और उत्थान हो तो भी केवल रूप है। अज्ञानी समाधि के योग्य नहीं, क्योंकि ज्ञान से उपजी समाधि उसको नहीं प्राप्त हुई। हमसे आदि देवर्षि नारद ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदिक जिनको ज्ञान रूप दृष्टि पुष्ट हुई है वे सत्ता सामान्य में स्थित हैं और उनको समाधि और उत्थान में तुल्यता है। जैसे आकाश में पवन का चलना और ठहरना समान है और जैसे पृथ्वी में जल स्थित है और अग्नि में उष्णता स्थित है, तैसे ही सत्ता सामान्य में वह स्थित हुआ। जब तक जगत में
विचरने को उसकी इच्छा थी, तब तक वह ऐसे विचरता रहा, और जब विदेह मुक्त होने की इच्छा हुई तब पहाड़ की कंदरा में पत्थरों का आसन बनाकर पद्मासन बांध और दांतों से दांतों को मिलाकर सब संकल्पों का त्याग किया और प्राणवायु को मूल आधार चक्र में करके नौ द्वार खेचरी मुद्रा से रोके, न भीतर न बाहर न अधः न ऊर्ध्व सर्वभाव अभाव विकल्पों को त्याग कर उसने जब आत्म तत्व में चित्त की वृत्ति को लगाया तब शुद्ध चिन्मात्र में चित्त की वृत्ति जा प्राप्त हुई और रोम खड़े हो आए। जब उस व्युत्थान को भी उसने त्याग किया तब सत्ता सामान्य विश्वम्भर पद को प्राप्त हुआ जो परम विश्रांत अनादि आनंद और सुंदर रूप है। तब पुतली की भांति उसका शरीर हो गया और जैसे शरत काल का आकाश निर्मल होता है तैसे ही निर्मल पद को प्राप्त हुआ। जैसे सूर्य की किरणों के द्वारा वृक्ष में रस होता है और सूर्य उसे खींच लेता है और जैसे समुद्र में तरंग उपजकर उस ही में लीन होते हैं तैसे ही उसका चित्त जिससे उपजा था उसी में लीन हो गया, संपूर्ण उपाधि विलास से रहित होकर उस आनंद पद को प्राप्त हुआ जिसमें इंद्रादिकों का आनंद भी तुच्छ भासता है। ऐसा विश्वम्भर आनंद जो उत्तम पुरुषों के सेवने योग्य है और जो अद्वैत और शब्द सत्ता सामान्य है उसमें जब उद्दालक प्राप्त हुआ तो परम शांति रूप हो गया। निदान कुछ काल पीछे उसका शरीर गिर पड़ा जैसे रस सूखने से वृक्ष गिर पड़ता है, जैसे वीणा बजती है और उसका शब्द प्रकट होता है तैसे ही जब वायु चले और उसके शरीर में प्रवेश कर निकले तो शब्द प्रकट होता था। कुछ काल पीछे देवताओं की स्त्रियां अश्विनी कुमार की शक्ति जिसका अग्नि की भांति तेज है और देव देवी जो सब देवताओं में पूज्य हैं सखियों सहित आईं और उस शरीर को सुगंधित पुष्पों की माला पहनाकर उसकी पूजा करके नृत्य करने लगीं और लीला की। हे राम जी, उद्दालक के चित्त को वृत्ति में कलना से रहित विवेक रूपी बेली हुई और उसमें आत्मानंद रूपी फल लगा, जिसके हृदय में ऐसे फूलों की सुगंध स्थित हो वह सब भ्रम से तर जावे, जिसको ऐसा विवेक प्राप्त हो वह सब भ्रम से मुक्त हो। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे उद्दालक निर्वाण वर्णन नाम 57वां सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिस प्रकार उद्दालक ऋषीश्वर आत्मपद को प्राप्त हुआ है उसी क्रम से अपने आप को विचार करके तू भी आत्मपद को प्राप्त हो। हे कमल नयन, कर्तव्य यही है कि गुरु और शास्त्रों के वचनों को धारण कर जगत भ्रम से मुक्त हो और आत्म अभ्यास से शांत पद को प्राप्त हो। प्रथम गुरु और शास्त्रों के वाक्यों को समझिए और उससे जो विषय भूत अर्थ है उसके अभ्यास में बुद्धि को लगाइए। इस प्रकार जब दृढ़ता हो तब परम पद की प्राप्ति हो, अथवा बुद्धि में एक तीक्ष्ण अभ्यास हो और कलंक कल्पना से रहित ऐसा बोध हो तो साधनादि सामग्री से रहित हो, अथवा वैरागादिक सामग्री से रहित हो तो भी अविनाशी पद को प्राप्त हो। राम जी ने पूछा, हे भूत भविष्य के ईश्वर, एक ज्ञानवान पुरुष तो समाधि में स्थित होता है और फिर जगत व्यवहार में विचरता है और एक समाधि में स्थित है जगत का व्यवहार नहीं करता, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, प्रथम समाधि का लक्षण सुनो कि समाधि किसको कहते हैं और व्युत्थान क्या है। यह गुणों का समूह अहंकार से लेकर पंच तत्व गुणात्मक है, जो इनको अनात्म रूप देखता है आपको केवल इनका साक्षी चैतन्य जाना है, और स्वाभाविक जिसका चित्त शीतल है उसको समाधि कहते हैं। जो मैत्री करुणा अमान्यता आदि गुणों में स्थित हुआ है और जिसका मन आत्म विषय से शांति को प्राप्त होता है उसको समाधि कहते हैं। हे राम जी, जिसका ऐसा निश्चय होता है कि मैं शुद्ध चिदानंद स्वरूप दृश्य के संबंध से रहित हूँ, वह चाहे वन में रहे अथवा गृह में रहे दोनों स्थान उसको तुल्य हैं और वे दोनों पुरुष तुल्य हैं। अंतःकरण का शीतल होना बड़े तपों का अनंत फल है। हे राम जी, जो इंद्रियों का शमन करके बैठा है और मन से जगत के पदार्थों की चिंतना करता है उसकी समाधि मिथ्या है, वह उन्मत्त की भांति नृत्य करता है, और जिसके मन में कोई वासना नहीं और व्यवहार करता है उसको बुद्धिमानों की समाधि के तुल्य जानो। कोई ज्ञानी व्यवहार करता है और कोई ज्ञानवान व्यवहार को त्याग कर
वन में समाधि लगाकर स्थित हो बैठा है, पर दोनों निश्चय से परम पद में प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं। ज्ञानवान निर्वाह हेतु पुरुषार्थ करता भी दृष्ट आता है तो भी अकर्ता है, और अज्ञानी जो करता भी नहीं परंतु वासना से कर्तव्य भाव को प्राप्त होता है। जैसे कोई पुरुष कथा सुनने बैठा हो और उसका मन किसी और ठौर निकल गया हो तो सुनता भी नहीं सुनता, तैसे ही ज्ञानवान का चित्त आत्मपद की ओर लगा है, इससे वह करता भी नहीं करता, क्योंकि उसको कर्तृत्व का अभिमान नहीं होता। धन वासना सहित अज्ञानी सब इंद्रियों को स्थित करके सो गया हो तो उसको स्वप्न आवे और पर्वत से गड्ढे में आपको गिरा देखता है और कष्टवान होता है। इससे जहाँ वासना है वहाँ क्षोभ भी है, और जहाँ कुछ वासना नहीं वहाँ शांति है। हे राम जी, जिसमें कर्तृत्व का अभिमान नहीं और निश्चय से आपको अकर्ता जानता है, उसको केवली भाव से समाधि में स्थित जानो, और जिसमें कर्तृत्व अभिमान है और समाधि में बैठा है तो भी उसको व्युत्थान जानो। हे राम जी, चित्त के चलाने का कारण स्मृति है। जो स्मृति जगत को लेकर समाधि लगा बैठता है तो भी चित्त वासना से फैल जाता है। जैसे बीज से अंकुर उपजता है और फैल जाता है, तैसे ही मन में जो वासना होती है उसमें चित्त फैल जाता है, और जो जगत की वासना मन से जाती रहती है अर्थात जगत का सतत भाव निवृत्त हो जाता है, तब चित्त अचल हो जाता है। हे राम जी, जिस चित्त से वासना नष्ट होती है उसको अचल स्थित कहते हैं। वह ध्यान में केवली भाव में स्थित होता है, और जिसके चित्त में सदा वासना फुरती है उसको सदा क्षोभ होता है। इससे निर्वासनिक होकर तुम परम पद को प्राप्त हो। हे राम जी, जिस चित्त में वासना गंध होती है उसमें कर्तृत्व का अभिमान भी फुरता है और उससे सदा दुखी होता है, वासना के क्षीण हुए मुक्त होता है। जिस पुरुष के चित्त से जगत की आस्था निवृत्त हुई है और वीत शोक हुआ है वह स्वस्थ आत्मा है, तिसको समाधि कहते हैं। हे राम जी, जिसके हृदय से संसार का राग द्वेष मिट गया है और शांति को प्राप्त हुआ है उसको सदिव्य समाधि कहते हैं। इससे चित्त में जो पदार्थ भावना है उसको त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो, तब गृह में रहो अथवा वन में जाओ, दोनों तुमको तुल्य हैं। हे राम जी, जो गृह में स्थित है और चित्त समाहित है और अहंकार के दोष से रहित है उसको कुटुंब और जनों के समूह भी वन की भांति हैं। ज्ञानवान को गृह और वन तुल्य है, और देह अभिमानी को जो अज्ञानी है वह वन में जाए और समाधि लगा बैठता है, पर चित्त की वृत्त विषयों की ओर रहती है, तब वह जगत के समूह को देखता है अथवा सुषुप्ति में जड़भूत हो जाती है। हे राम जी, चित्त उत्थान में स्वरूप से गिरा हुआ जगत भ्रम दिखाता है, और जब चित्त निर्वाण आत्मा में स्थित होता है तब उपशम हो जाता है। हे राम जी, जो पुरुष सब भाव पदार्थों से आत्मा को अतीत जानता है वह समाहित चित्त कहता है, और जिसको जागृत जगत स्वप्नवत भासता है वह समाहित चित्त कहता है। वह पुरुष जन के समूह में रहता है तो भी उसका संबंध किसी से नहीं। जैसे कोई उपज और संशय रूपी वायु से उसकी बुद्धि रूपी पक्षिणी डोलायमान हुई कि बड़ा अनर्थ है कि मैं जीवों को कष्ट देता हूँ, इससे मैं इनको धन देऊं और कष्ट न देऊं। जैसे तिल को तेली पेरता है तैसे ही मैं पापियों को कष्ट देता हूँ। दुष्टों को कष्ट दिए बिना राज्य नहीं चलता, जैसे जल बिना नदी का प्रवाह नहीं चलता, और यदि दंड देता हूँ तो वे दुख पावते हैं। मैं क्या करूँ, दोनों बातों में कष्ट है। हे राम जी, ऐसे विचार में राजा बहुत भ्रमता रहा। निदान एक दिन उसके गृह में मांडव्य मुनि आए, जैसे इंद्र के घर में नारद आवें, तब राजा ने भली प्रकार उनका पूजन किया और संदेहवान होकर पूछा, हे भगवन, तुम सर्वधर्मवत हो, तुम्हारे आने से मैं बड़े आनंद को प्राप्त हुआ हूँ। जैसे वसंत ऋतु से पृथ्वी प्रफुल्लित होती है तैसे ही मैं प्रफुल्लित हुआ हूँ। मैं भी अब आपको पुण्यवान जानता हूँ कि मैं भी पुण्यवानों में प्रसिद्ध होऊंगा, क्योंकि तुम मेरे गृह में आए हो। जैसे सूर्य के उदय हुए प्रकाश हो आता है
तैसे ही मैं तुम्हारे दर्शन से प्रसन्न भया हूँ। हे भगवन, मुझको एक संशय है, उसके निवारण करने को आप ही योग्य हो। जैसे सूर्य के उदय हुए अंधकार नष्ट हो जाता है, तैसे ही तुमसे मेरा संशय निवृत्त होगा। जो कोई महापुरुषों का संग करता है, उसका संशय अवश्य निवृत्त होता है। संशय ही सब दुखों का कारण है, इससे मेरे संशय को तुम दूर करो। मुझे यह संशय है कि यदि कोई दुष्ट कर्म करता है तो उसको मैं दंड देता हूँ, और जब उसको दुखी देखता हूँ तो दया उपजती है। जैसे सिंह नख से हाथी को खींचता है, तैसे यह संशय मुझको खींचता है। इससे वही उपाय कहो जिससे मुझको समता प्राप्त हो। जैसे सूर्य की किरणें सब ठौर में सम होती हैं, तैसे ही इष्ट अनिष्ट में मैं सम होऊं। कृपा करके मुझसे वही उपाय कहिए। मांडव्य ऋषि बोले, हे राजन, यह तो बहुत सुगम है और अपने अधीन है, आप ही से सिद्ध होता है और अपने ही गृह में है। हे राजन, सब उपाधि मन में उठती है, वह मन तुच्छ है और विचार किए से निवृत्त हो जाता है। जैसे उष्णता से बर्फ जल में हो जाता है, तैसे ही विचार किए से सब मनन भाव लीन हो जाता है, परंतु हर्ष शोक के वश नहीं होता, वह समाहित चित्त कहता है। जो पुरुष सबको आत्मरूप देखता है, चित्त को नहीं चितौता, भविष्य की इच्छा नहीं करता और वर्तमान में राग द्वेष से रहित होकर विचरता है, वह समाहित चित्त कहता है। जो पुरुष अहंग ममता से और जगत की विभाग कलना से रहित है और जिससे चेतन अचेतन भाव नहीं फुरता, वह पुरुष सत्य है और आकाश की भांति स्वच्छ निर्मल है और राग द्वेष क्रोध विकारों से काष्ठ लोष्ट समान हो रहता है। वह सब भूतों को अपने समान देखता है और अन्यों के द्रव्य को देखकर ईर्ष्या नहीं करता। वह स्वभाव से ही उसे नहीं चाहता, द्वंद्व के भय से नहीं त्यागता। ऐसे जो देखता है और अहंकार से रहित होता है, वह न जगत के सत्य भाव को देखता है, न असत्य भाव को देखता है, न ज्ञात को देखता है, न अज्ञात को देखता है, न जड़ को देखता है, न चेतन को देखता है। वह तो केवल अद्वैत तत्व देखता है। वह महाशांत पद में स्थित है। वह उठ खड़ा हो अथवा बैठा रहे, उदय हो अथवा अस्त हो, बड़े भोगों में रहे अथवा वन में जा बैठे, अथवा मद्यपान से उन्मत्त हो और नृत्य करे और गयादिक तीर्थों में निवास करे अथवा कंदरा में निवास करे, शरीर को अगर चंदन का लेपन करे अथवा कीचड़ के साथ लपेटे, देह अभी गिर पड़े अथवा कल्प पर्यंत रहे, उस पुरुष को कदाचित कुछ कलंक नहीं लगता। जैसे सुवर्ण को कीचड़ के मिलाप से दोष नहीं लगता, तैसे ही ज्ञानवान को कर्तृत्व का दोष नहीं लगता। हे राम जी, इस संवित को अहंता की कलंक है। महापुरुष अहंकार से रहित हैं, इससे उनको कर्तृत्व स्पर्श नहीं करता। जैसे सीपी को रूप का आभास नहीं स्पर्श करता, तैसे ही ज्ञानवान को क्रिया स्पर्श नहीं करती। हे राम जी, अहंता ही से जीव दीन होता है। जब अहंता फुरती है, तब अनेक प्रकार के दुख सुख देखता है और परंपरा जन्मों को देखता है और भय पाता है। जैसे किसी को रस्सी में सर्प भासता है और भय पाता है, पर जब भली प्रकार दीपक के प्रकाश से देखता है, तब सर्प भय निवृत्त होता है। तैसे ही अहंता से यह दुख पाता है और अहंता के शांत हुए शांतिमान होता है। हे राम जी, ज्ञानवान जो कुछ कर्म करता, खाता पीता लेता देता हवन करता है, उसमें अहंता का अभिमान नहीं करता। इससे करने में उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता, और जो नहीं करता उसमें भी कुछ अभिमान नहीं। इससे न करने से उसको कुछ हानि नहीं होती। वह अपने स्वभाव में स्थित है और जगत को द्वैत भाव से नहीं देखता, सबको आत्मभाव से देखता है। इससे उसे कर्म स्पर्श नहीं करते। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे ध्यान विचारो नाम 150 सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, चित्त आदिक जो जगत है, सो वास्तव में आत्मा से भिन्न नहीं है। आत्मरूपी मिरच है, उससे चित्त अहंता रूपी देश काल तीक्ष्णता भिन्न नहीं। जैसे ईख से मधुरता भिन्न नहीं, तैसे आत्मा से जगत भिन्न नहीं। जैसे पत्थर में कठोरता है, तैसे ही आत्मा में जगत है। जैसे पर्वत में जड़ता होती है, तैसे ही आत्मा में अहंता होती है। जैसे जल में द्रवता होती है, तैसे ही आत्मा में अहंता आदिक होते हैं। जैसे फूल
फल टास वृक्ष से भिन्न नहीं होते, तैसे ही आत्मा में अहंता आदिक अभेद होते हैं। जैसे तीक्ष्णता मिर्चों से भिन्न नहीं होती, तैसी ही चित्त अहंता रूपी देश काल आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे अग्नि में उष्णता, बर्फ में शीतलता, सूर्य में प्रकाश और गुड़ में मधुरता होती है, तैसे ही आत्मा में जगत होता है। जैसे अमृत में स्वाद वेदना होती है, तैसे ही आत्मा में देश काल वेदना होती है। हे राम जी, जैसे मणि में प्रकाश होता है, तैसे आत्मा में अहंता होती है। जैसे जल से तरंग भिन्न नहीं होता, तैसे ही आत्मा से अहंता आदिक भिन्न नहीं होते। जो कुछ जगत भासता है सो आत्म तत्व का प्रकाश है। जो अनंत आत्मा सब में पूर्ण है और एक ही ईश्वर भाव में स्थित महाघन शिला की भांति स्थित है, उससे भिन्न कुछ नहीं। जैसे आकाश अपने भाव में स्थित है, तैसे ही सत्य केवल आत्मा में स्थित है और अपने आप से निर्वेद है। पर वेदना भी उससे नहीं। जैसे जल ही तरंग रूप हो भासता है, तैसे ही आत्मा वेदना रूप हो भासता है। और जैसे जल में द्रवता और पवन में चलना भासता है, तैसे ही ज्ञान रूप आत्मा में अहंता से देश काल जगत भासता है। हे राम जी, जीवों का जीना ज्ञान से होता है और ज्ञान सत्ता चैतन्य रूप है। चिन्मात्र और जीवों में रंचक मात्र भी कुछ भेद नहीं। जैसे ज्ञान चैतन्य सत्ता और जीव में भेद नहीं, तैसे ही ज्ञाता और जगत में कुछ भेद नहीं। एक ही अखंड सत्ता ज्यों की त्यों स्थित है। हे राम जी, सर्वसत्ता एक, अज, अनादि और आदि अंत मध्य से रहित प्रकाश रूप चिन्मात्र अद्वैत तत्व अपने आप में स्थित है। वह अवाच्य पद है, उसमें वाणी प्रवेश नहीं कर सकती। और जितने वाक्य हैं वह उसके जताने के निमित्त कहे हैं। वास्तव में द्वैत वस्तु कुछ नहीं है। एक आत्म तत्व को अपने हृदय में धारण कर स्थित हो। इत श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे भेद निराशा वर्णन नाम 50 सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, एक आगे पुरातन इतिहास हुआ है, उसको तुम सुनो। उत्तर दिशा में एक सुगंधित पृथ्वी है, वह मानो कपूर से लीपी हुई है और वहां सदाशिव के हंस स्थित हैं। हिमालय के शिखर पर वह कैलाश पर्वत है, जो सब पर्वतों से उत्तम और उज्जवल है। वह रुद्र के रहने का स्थान है। वहाँ कल्प वृक्ष लगे हैं और गंगा का प्रवाह चलता है। और भी बहुत सी बड़ी नदियाँ वहाँ चलती हैं और कमलों सहित बहुत महासुंदर तालाब स्थित हैं, जहाँ बहुत मृग पक्षी हैं। उस हिमालय के नीचे स्वर्णवत जटा वाले क्रांत रहते हैं। जैसे वृक्ष के मूल में पिपीलिका रहती है, उस क्रांत देश का राजा सुरग मानो प्रत्यक्ष लक्ष्मी मूर्ति धारे हुए वेगवान, ऐसा मानो पर्वत की मूर्ति, वैराग्यवान मानो गजेंद्र, बुद्धिमान मानो बृहस्पति और शुक्र के समान कवि था। राजा ऐसा था मानो इंद्र है और धनी ऐसा मानो कुबेर था। राजा होकर वह राज्य करता था और भली प्रकार प्रजा की पालना करता था। जो भले मार्ग में चलें उनकी वह रक्षा करे और जो पाप कर्म चोरी आदि करें उनको दंड दे और जैसा कर्म प्राप्त हो उसमें द्वेष से रहित होकर व्यतीत करे। एक समय वह अपने स्थान में बैठा था, जब चित्त में विचार पुरुष राजमार्ग में चला जाता है तो मार्ग के किसी पदार्थ से संबंध नहीं रखता। तैसे ही उस पुरुष का अभिमान किसी में नहीं फुरता। जिस पुरुष का चित्त अंतर्मुख हुआ है, वह सोवे अथवा बैठे, चले अथवा देखे, उसे नगर और ग्राम सब महावन रूप भासता है और सब जगत उसको आकाश रूप भासता है। जिस पुरुष को आत्मा में प्रीति हुई है वह अंतर्मुखी कहता है और जिसका हृदय आत्मज्ञान से शीतल हुआ है उसको सब जगत शीतल रूप भासता है। वह जब तक जीता है तब तक विगत ज्वर होकर जीता है और जिसका हृदय तृष्णा से जलता है उसको सब जगत दावाग्नि से तपता भासता है। हे राम जी, यह सब जगत चित्त में स्थित है। जैसी भावना चित्त में होती है उसके अनुसार जगत भासता है। स्वर्ग, पृथ्वी, लोक, पाताल, वायु, नदियाँ, आकाश, देश, काल, जो कुछ जगत है वह सब चित्त अंतःकरण में है और वही बाहर विस्तार होकर भासता है। जैसे वट के बीज से वट फैल जाता है तैसे ही चित्त में जगत का विस्तार होता है। बाहर जो सूर्य आदि भासते हैं वह भी चित्त के भीतर स्थित हैं। जैसे फूल खिलता है उसके भीतर की सुगंध बाहर भासती है और वास्तव
वास्तव में न कुछ भीतर है न बाहर है। जैसा किंचन होता है तैसा ही चैत्यता से फुरता है, तैसा ही वह सत्ता जगत रूप होकर भासती है। जगत सब आत्म रूप है और न कोई सत्य है न असत्य है, एक आत्म सत्ता ज्यों की त्यों स्थित है। जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनको सदा ऐसे ही भासता है। हे राम जी, जिसके हृदय में शांति है उसको सब जगह शांति रूप है, और जिसका हृदय देहाभिमान में स्थित है सो नाश होता है और भय पाता है, किसी ओर से उसको शांति नहीं प्राप्त होती। वह स्वर्ग, पृथ्वी, लोक, पाताल, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ, देश, काल सबको प्रलय काल की अग्निवत जलता देखता है। जिसके हृदय में पाप होता है उसको सब जगत तपता भासता है, पर आत्मज्ञानी को शांत रूप भासता है। जैसे अंधे को सब जगत तम रूप भासता है और नेत्रों वालों को सब जगत प्रकाश रूप भासता है। हे राम जी, जिस पुरुष को आत्मपद की प्रतीति हुई है और इंद्रियों से कर्म भी करता है तब ताप भी निवृत्त हो जाता है। जैसे शरत काल के आए से कुहरा नष्ट हो जाता है तैसे ही विचार किए से मनन भाव नष्ट हो जाता है। विचार की मैं कौन हूँ, इंद्रियां क्या हैं, जगत क्या है और जन्म मरण किसको कहते हैं, इस विचार से जब तुम अपने स्वभाव में स्थित होगे तब तुमको हर्ष, शोक, क्रोध और राग द्वेष चलायमान न कर सकेगा। जैसे वायु से पर्वत चलायमान नहीं होता तैसे ही तुम अचल रहोगे। हे राजन, जब आत्मबोध होगा तब मन अपने मनन भाव को त्याग देगा और तुम संताप से रहित अपने स्वरूप को प्राप्त होगे। जैसे तरंग भाव मिटने से जल निर्मल होता है तैसे ही तुम अचल होगे और मन धर्म भी रहेगा, परंतु मध्य से अज्ञान नष्ट हो जाएगा और आत्मसत्ता भाव होगा। जैसे काल वही रहता है परंतु ऋतु और हो जाती है तैसे ही मन वही होगा परंतु स्वभाव और हो जाएगा। तेरे नौकर और प्रजा भी साधु हो जाएंगे और तेरी आज्ञा में चलेंगे और तुमको देखकर प्रसन्न होंगे। हे राजन, जब तुझको विवेक रूपी दीपक से आत्मा रूपी मणि मिलेगी तब तेरी बड़ाई सुमेरु और समुद्र और आकाश से भी अधिक होगी। जब तुझको विवेक से आत्म तत्व का प्रकाश होगा तब तू संसार की तुच्छ वृत्ति में न डूबेगा। जैसे गोपद के जल में हाथी नहीं डूबता तैसे ही तू राग द्वेष में न डूबेगा। जिसको देह में अभिमान है और चित्त में वासना है और वह तुच्छ संसार की वृत्ति में डूबता है, इससे जितना अनात्म भाव दृश्य है उसको त्याग कर पीछे जो शेष रहे सो परमात्म तत्व आत्मा है। हे राजन, जो कुछ सत्य वस्तु है उसको हृदय में धरो और जो असत्य है उसको त्याग करो। जैसे जब तक कल्लर को सोनार धोता है तब तक सुवर्ण नहीं निकलता और जब सुवर्ण निकलता है तब धोने का त्याग करता है, तैसे ही तब तक आत्मविचार कर्तव्य है जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। जब आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है तब विचार से प्रयोजन नहीं रहता। हे राजन, सब में सब प्रकार, सब काल, सब आत्मा की भावना करो, अथवा जितना दृश्य भाव है सो सब त्याग करो, तो जो शेष रहेगा सो तुमको भास आवेगा। जब तक सब दृश्य का त्याग न करोगे तब तक आत्मपद का लाभ न होगा, सर्व दृश्य के त्याग से आत्मपद भासेगा। हे राजन, जब किसी वस्तु के पाने का यत्न करता है तो और का त्याग कर उसी का यत्न करिए जो प्राप्त होती है, तो आत्म तत्व अनन्य हुए बिना कैसे प्राप्त होगा। जब अपना संपूर्ण यत्न एक ही ओर लगाता है तब उस पद की प्राप्ति होती है। इससे आत्म पद के पाने के लिए सब दृश्य को त्याग कर सबके त्याग किए से जो शेष रहे सो परम पद है। हे राजन, सबके त्याग किए से जो सत्ता अधिष्ठान रहेगा सो तुझको आत्मभाव से प्राप्त होगा। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे सुरघु वृतांत मांडवोपदेशो नाम त्रिपंचाश सप्तमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार कहकर जब मांडव्य अपने स्थान को गए
तब सुरघु राजा एकांत में बैठकर विचार करने लगा कि मैं कौन हूँ। न मैं सुमेरु हूँ, न मेरा सुमेरु है, न मैं जगत हूँ, न मेरा जगत है, न मैं पृथ्वी हूँ, न मेरी पृथ्वी है, न मैं क्रांतमंडल हूँ और न मेरा क्रांतमंडल है, क्योंकि यह अपने भाव में स्थित है, मेरे भाव से तो नहीं। मैं जो न हूँ तो भी यह ज्यों का त्यों स्थित है, तो यह मेरे कैसे होवे और मैं इनका कैसे हूँ। न मैं नगर हूँ और न नगर मेरा है। हाथी, घोड़ा, मंदिर, धन, स्त्री पुत्रादिक जो कुछ पदार्थ हैं सो न मेरे हैं और न मैं इनका हूँ। इनमें आसक्त होना वृथा है, इनमें मेरा कुछ संबंध नहीं। जितने भोगों के समूह हैं ये न मैं हूँ और न ये मेरे हैं। नौकर, भृत्य और कलत्र सब अपने भाव से सिद्ध हैं, मेरा इनसे संबंध कुछ नहीं। न मैं राजा हूँ, न मेरा राज्य है, मैं एकाकी शरीर मात्र हूँ और इनमें मैं ममत्व करता हूँ सो वृथा है। शरीर में जो मैं अहं करता हूँ सो भी व्यर्थ है, क्योंकि हाथ पांव आदि का स्वरूप भिन्न है। न यह मैं हूँ और न ये मेरे हैं, इनमें मेरा शब्द कुछ नहीं। यह रक्त, मांस, हाड़ आदिक रूप है सो मैं नहीं। यह जड़ है और मैं चेतन हूँ, इनके साथ मेरा कैसे संबंध हो। जैसे जल का स्पर्श कमल को नहीं होता, तैसे ही इनका स्पर्श मुझको नहीं। न मैं कर्म इंद्रियां हूँ और न मेरी कर्म इंद्रियां हैं। यह जड़ हैं, मैं चैतन्य हूँ। न मैं ज्ञान इंद्रिय हूँ, न मेरी ज्ञान इंद्रियां हैं। इनसे परे मन है सो भी मैं नहीं, क्योंकि यह जड़ है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सब अनात्म रूप हैं, मेरा इनके साथ अविद्या का संबंध है। भ्रांति से मैं इनको अपना स्वरूप जानता था, पर यह सब भूतों का कार्य है। इनके पीछे चेतन जीव है, जो चेतन दृश्य को चेतने वाला है सो चेतन चेतना भी मैं नहीं। इन सब में शेष अचेत चिन्मात्र सत्ता मेरा स्वरूप है। बड़ा कल्याण हुआ जो मैंने अपना आप पाया, अब मैं जागा हूँ। बड़ा आश्चर्य है कि मैं वृथा देहादिक को अपना जानकर शोक और मोह को प्राप्त होता था। मैं तो एक निर्विकल्प चेतन और अनंत आत्मा सब में व्याप रहा हूँ और ब्रह्म रूप आत्मा हूँ। इंद्रियों से आदि जितने भूतगण हैं उन सबका मैं आत्मा हूँ। यह भगवान आत्मा सबके भीतर व्यापा है। जैसे सबके भीतर पांच तत्व होते हैं, तैसे ही यह चेतन रूप सर्व भाव को भर रहा है और सर्व भावों में व्याप रहा है। भैरव रूप और उदय अस्त भाव आदि विकारों से वह रहित है। ब्रह्मा से आदि तृण पर्यंत सबका आत्मा यही है। सब प्रकाशों का प्रकाशने वाला दीपक वही है और संसार रूपी मोतियों के पिरोने वाला तागा और सबका कारण कार्य यही है। वह साकार से रहित है और शरीरादिक सब उसकी सत्ता से उपलब्ध होते हैं। शरीर रूपी रथ इसी से चलता है। वास्तव में शरीरादिक कुछ वस्तु नहीं। यह जगत चित्त रूपी नट की नृत्य लीला रूप है। चित्त में जगत फुरता है, वास्तव में और कुछ वस्तु नहीं। बड़ा कष्ट है कि मैं वृथा संग्रह असंग्रह की चिंता करता था। यह गुणों का प्रवाह है, इसमें मैं क्यों शोकवान होता था। बड़ा आश्चर्य है कि असत्य भ्रम सत्य हो मुझको दिखता था। अब मैं निश्चय करके सम प्रबोध हुआ हूँ और दुर्दृष्टि मेरी दूर हुई है। दृष्टि की जो अलख दृष्टि है सो अब मैंने देखी है और जो कुछ पाने योग्य था सो मैंने पाया है और अचैत्य चिन्मात्र को प्राप्त हुआ हूँ। जो कुछ दृश्य है उसको मैं स्वरूप से देखता हूँ और अहंग मम दुख मेरा नष्ट हुआ है। मैं चिदानंद पूर्ण और सत्य शुद्ध अनंत आत्मा अपने आप में स्थित हूँ। ग्रहण क्या और त्याग क्या, यह क्लेश कोई नहीं और न कोई दुख है, न सुख है, सर्व ब्रह्म है और दूसरी वस्तु कुछ नहीं। मैं राग किसका करूं और द्वेष किसका हो। मैं मिथ्या मूढ़ता को प्राप्त होकर दुखी था, अब कल्याण हुआ है कि मैं अमूढ़ होकर अपने आप स्वभाव में स्थित हुआ हूँ। ऐसे आत्मा के साक्षात्कार बिना मैं दुखी था, इसके देखे से अब किसका शोक करूं और मोह को कैसे प्राप्त हूं। अब मैं क्या देखूं, क्या करूं और कहां स्थित हूं। यह सब जगत आत्मा के प्रकाश से है और सब आत्म रूप है। हे अतत्व रूप अर्थात जिसमें तत्वों की उपाधि कुछ नहीं, तेरी दृष्टि निष्कलंक है। मैं अब सम्यक ज्ञानवान हुआ हूँ, मेरा तुझको नमस्कार है। मैं अनंत आत्मा अनुभव रूप निष्कलंक सब इच्छा भ्रम रहित सुषुप्त की भांति
भांति शांत रूप अचैत्य चिन्मात्र सदा अपने आप में स्थित हूँ। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे सुरघुवृतांत वर्णन नाम चतुष्पंचाश सप्तम सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, क्रांत जो सुवर्ण रूप देश है उसका राजा परमानंद को प्राप्त हुआ। वह इस प्रकार विचार अभ्यास से ब्रह्म रूप हुआ, जैसे गाधि का पुत्र विश्वामित्र तपस्या करके उसी शरीर से क्षत्रिय से ब्राह्मण हुआ था, तैसे ही राजा सुरघु अभ्यास करके ब्रह्म रूप ब्रह्मबोध हुआ। और जैसे सूर्य इष्ट अनिष्ट में सम है और विगत ज्वर होकर दोनों को व्यतीत करता है, तैसे ही राग द्वेष से रहित वह राज्य का कार्य करता रहा। जैसे जल ऊंची नीची ठोर में जाता है और अपना जल भाव नहीं त्यागता, सम रहता है, तैसे ही राजा हर्ष शोक से रहित होकर राज कार्य करता रहा और स्वभाव को न त्यागा। आत्मविचार को धार सुसुप्त की भांति उसकी वृत्ति हो गई और संसार भाव का फुरना रुक गया। जैसे वायु से रहित दीपक प्रकाशता है, तैसे ही वह शुद्ध प्रकाश धारता भया। हे राम जी, वह दया करता भी दृष्टि आवे, परंतु उसकी दृष्टि में कुछ दया नहीं, और दया से रहित भी औरों को दिखे, परंतु उसकी दृष्टि में निर्दयता नहीं। न कुछ सुख, न दुख, न अर्थ, न अनर्थ, सब पदार्थों में एक समभाव आत्मा देखे और हृदय से पूर्णमासी के चंद्रमावत शीतल रहे। वह जगत आत्मा का किंचन रूप जानता था और उसके सुख दुख का भाव शांत हो गया। जैसे सूर्य के उदय हुए अंधकार नष्ट हो जाता है, तैसे ही उसके सुख दुख नष्ट हो गए थे। शोक विलास करता, मत्त होता, स्थित होता, चलता श्वास लेता और पांचों विषयों को ग्रहण करता, वह राग द्वेष को प्राप्त न होता था। जैसे पत्थर में फुरना कुछ नहीं फुरता, तैसे ही उसको कर्तृत्व भोक्तृत्व का मान कुछ न फुरा, सब कर्तृत्व को करता भी निःसंग रहा। जैसे जल में कमल अलेप रहता है, तैसे ही वह राज्य में निर्लेप होकर जीवन मुक्त हुआ। इस प्रकार जब बहुत काल बीता तब उसने शरीर का त्याग किया। जैसे बर्फ का कणका सूर्य के तेज से जलमय हो जाता है, वैसे ही उसका शरीर अपने भाव को त्याग कर आत्म तत्व में लीन हो गया। जैसे नदी समुद्र में लीन होती है और फिर भिन्न नहीं भासती, तैसे ही सुरघु अपने भाव को त्याग कर उज्ज्वल भाव को प्राप्त हुआ और कलना रूपी मल को त्याग कर निर्मल ब्रह्म हुआ। जैसे शरत काल का आकाश निर्मल होता है, तैसे ही यह निर्मल चिदानंद ज्योति भाव को प्राप्त हुआ। और जैसे घट फूटे से घटाकाश महाकाश हो जाता है, तैसे ही वह पूर्ण ब्रह्म चिदानंद तत्व हुआ। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे सुरघु वृतांत समाप्तिर नाम पंच पंचाश सप्तम सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुम भी इसी दृष्टि का आश्रय करके विचरो, तब सब भय मिट जाएगा। जैसे घोर तम में बालक भय पाता है और जब दीपक का प्रकाश होता है तब निर्भय होता है, तैसे ही संसार रूपी घोर तम में आया पुरुष दुख पाता है और जब ज्ञान रूपी दीपक उदय होता है तब निर्भय हो जाता है। हे राम जी, जब आत्म विचार में कुछ भी मनुष्य का चित्त विश्राम पाता है, तब उस विश्राम का आश्रय कर वह संसार समुद्र से निकल जाता है। जैसे गड्ढे में गिरे और तृण का वृक्ष हाथ लगे तो भी उसके आश्रय से निकल आता है। हे राम जी, यह पावन दृष्टि मैंने तुमसे कही है, इसको चित्त में विचारो और परस्पर मिलकर उदाहरण के साथ अभ्यास कर नित्य एक समाधि में स्थित हो और पृथ्वी का भूषण होकर लोगों में विचरो। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, एक समाधि किसको कहते हैं और कैसे होती है, सो कहो, जिसमें मेरा चित्त जो फुरता है सो स्थित हो। जैसे वायु से मोर की पुच्छ हिलती है, तैसे ही चंचल रूप चित्त सदा फुरता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब सुरघु प्रबुद्ध हुआ था तब उसका संवाद पूर्णाद राजर्ष के साथ हुआ था, वह अद्भुत समाधि है, उसको सुनकर विचारोगे तो तुम भी एक समाधिमान होगे। उसने परस्पर मिलकर जो चर्चा की थी सो सुनो। हे राम जी, पारस देश का राजा महावीर्यवान था, उसका परिघ नाम था और वह सुरघु का मित्र था। जैसे नंदन वन में कामदेव और वसंत ऋतु का मित्र भाव होता है, तैसे सुरघु और परिघ का मित्र भाव था। एक काल में परिघ के देश में प्रलय काल बिना प्रलय काल की भांति समय हुआ
और उससे सब जीव दुख पाने लगे। निदान प्रजा की पाप बुद्धि का फल आन लगा और महादुर्भिक्ष पड़ा। कोई क्षुधा से मृतक हुए, कोई अग्नि से जल मरे और बहुतेरे झगड़ा करके मृतक हुए। प्रजा बहुत दुख को प्राप्त हुई, पर राजा को कुछ दुख प्राप्त न हुआ। जब प्रजा ने बहुत दुख पाया और राजा ने प्रजा को दुखी देखा, पर प्रजा का दुख निवृत्त न कर सका, तो प्रजा अपने अपने कुटुंब को त्याग कर चली गई, जैसे वन में अग्नि लगने से पक्षी त्याग जाते हैं। तब राजा एक पहाड़ की कंदरा में तप करने लगा और ऐसा तप करने लगा जैसा कि जिनेंद्र ने किया था। वह उस कंदरा में फल न पाए, केवल सूखे पत्ते लेकर खावे, जैसे अग्नि सूखे पत्ते को भक्षण करती है। उससे उसका नाम प्रणाद हुआ। निदान चित्तवृत्ति को आत्मपद में लगाकर सहस्र वर्ष पर्यंत उसने तप किया। तब अभ्यास के बल से चित्त स्थित हुए से केवल ज्ञान रूप आत्म तत्व हृदय की निर्मलता से प्रकाश आया और सब तप्तता मिट गई। तब वह राग द्वेष से रहित हो निष्क्रिय आत्मदर्शी जीवन मुक्त होकर विचरने लगा, जैसे सरोवरों में कमलों के निकट भौंरा हंसों के साथ जा मिलता है, तैसे ही सिद्धों के साथ राजा जा मिले। ऐसे फिरता फिरता वह क्रांत देश में सुरघ के स्थानों को गया। सुरघ पूर्व मित्र को देखकर उठ खड़ा हुआ और परस्पर कंठ लगा के मिले, फिर परस्पर भाव करके एक आसन पर चंद्रमा और सूर्य के समान दोनों बैठ गए और आपस में कुशल पूछने लगे। प्रथम परिघ बोला, हे मित्र, तेरे दर्शन से जैसे कोई चंद्रमा के मंडल में जा आनंदवान हो, तैसे ही मैं आनंदवान हुआ हूँ। बहुत काल का जो वियोग होता है तो बहुत प्रीति बढ़ती है, जैसे वृक्ष के ऊपर कांटे से बढ़ता है तैसी ही प्रीति बढ़ती है। हे साधो, अब मैं भी ज्ञानवान हुआ और तू भी मांडव्य मुनि और आत्मा के प्रसाद से ज्ञान को प्राप्त हुआ है। हे राजन, मेरा अभिष्ट प्रश्न यह है कि तू अब दुखों से मुक्त होकर विश्राम को प्राप्त हुआ है। आत्मपद पाने की बड़ाई मेरु आदिक से भी ऊंची है, उसको तू प्राप्त हुआ है और परम कल्याणवान आत्मरामी हुआ है। तुम राग द्वेष मल से रहित हुए हो, जैसे शरत काल का आकाश निर्मल होता है और सब कार्यों के करते भी समभाव में रहते हो। आधि व्याधि ताप तुम्हारे दूर हुए हैं, तुम्हारी प्रजा भी विगत ज्वर हुई है और धन राज्य और माल में भी कुशल है। जैसे चंद्रमा की किरणें शीतलता फैलाती हैं, तैसे ही तुम्हारा यश दशों दिशाओं में फैल रहा है और तुम्हारा यश ग्रामवासी क्षेत्रों में लकड़ियां गाती हैं। हे राजन, तुम्हारे प्रजा नौकर पुत्र और कलत्र सब आधि व्याधि से रहित हुए हैं। विषय पदार्थ आपात रमणीय हैं, उनमें अब तुम्हारी प्रीति नहीं है और तृष्णा रूपी सर्पिणी तुमको अब तो नहीं डसती। हे राजन, तुम्हारी हमारी मित्रता हुई थी, समय पाकर तुम कहाँ रहे और हम कहाँ रहे, अब फिर इकट्ठे हुए हैं, बड़ा आश्चर्य है। ईश्वर की नीति जानी नहीं जाती, सुख से दुख हो जाता है और दुख गए से सुख हो जाता है। संसार की दशा आगमा पाई है, संयोग का वियोग होता है और वियोग का संयोग होता है, तैसे ही तुम्हारा हमारा भी संयोग का वियोग हो गया है और अब फिर वियोग का संयोग हुआ है, बड़ा आश्चर्य है। ईश्वर की नीति अद्भुत रूप है। सुरघ बोले, हे देव, परमात्मा देव की नीति जान नहीं सकते, वह महागंभीर विस्मय को देने वाली और दुर्ज्ञात है। तुम्हारा हमारा वियोग हुआ तब दूर से दूर जा पड़े, तुम कहाँ थे और हम कहाँ थे, अब फिर इकट्ठे हुए हैं। देव की नीति आश्चर्य रूप है, तुमने जो मुझसे कुशल पूछी सो तुम्हारा आना ही पुण्य है, उससे मैं परम पावन हुआ हूँ और तुम्हारे दर्शन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हमारे पुण्य का फल लगा है जो तुम्हारा दर्शन हुआ है, और जो कुछ यश संपदा है वह सब आज प्राप्त हुई है। हे भगवन, संतों का आना मधुर अमृत की भांति है, जैसे अमृत झरने से निकलता है तैसे ही तुम्हारे दर्शन और वचनों से परमार्थ रूपी अमृत स्रोता है, जिसको पाकर जीव निर्भयता को प्राप्त होता है। संतों का मिलना परम पद के तुल्य है, इसलिए हम परम शुद्धता को प्राप्त हुए हैं।
इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे सुरघु परिघ समागम वर्णन नाम षष्ठ पंचाश सप्तम सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जब वे पूर्व वृतांत कह रहे थे तब फिर परिघ बोले, हे राजन, समाहित चित्त इस जगत जाल में जो जो कर्म करता है सो सुख रूप होता है। संकल्प से रहित जो परम विश्राम और परम उपशम समाधि है उसमें अब तुम स्थित हुए हो। सुरघु बोले, हे भगवन, तुम ही कहो कि सब संकल्पों से रहित परम उपशम समाधि किसको कहते हैं। और यदि तुम मुझको पूछो तो सुनो, जो ज्ञानवान महात्मा पुरुष हैं वे चाहे तुष्णीम रहें अथवा व्यवहार करें असमाहित चित्त कदाचित नहीं होते। हे साधो, जिनका नित्य प्रबुद्ध चित्त है वे जगत के कार्य भी करते हैं पर आत्म तत्व में स्थित हैं। जो सर्वदा समाधि में स्थित हैं और जो पद्मासन बांध कर बैठते हैं और ब्रह्मांजलि हाथ में रखते हैं पर चित्त आत्म पद में स्थित नहीं होता और विश्रांति नहीं पाते तो उनको समाधि कहाँ, वह समाधि नहीं कहाती। हे भगवन, परमार्थ तत्व बोध आशा रूपी सब तृणों को जलाने वाली अग्नि है। ऐसी निराशा रूपी जो समाधि है वही समाधि है। तृष्णीम होने का नाम समाधि नहीं। हे साधो, जिसका चित्त समाहित नित्य तृप्त और सदा शांत रूप है और जो यथा भूतार्थ है अर्थात जिसे ज्यों का त्यों ज्ञान हुआ है और उसमें निश्चय है वह समाधि कहलाती है। तृष्णीम होने का नाम समाधि नहीं। जिसके हृदय में संसार रूप सत्यता का क्षोभ नहीं है, जो निरहंकार है और अनुदय ही उदय है वह पुरुष समाधि में कहता है। ऐसा जो बुद्धिमान है वह सुमेरु से भी अधिक स्थित है। हे साधो, जो पुरुष निश्चिंत है, जिसकी ग्रहण और त्याग बुद्धि निवृत्त हुई है, जिसे पूर्ण आत्म तत्व ही भासता है, वह व्यवहार भी करता दृष्ट आता है तो भी उसकी समाधि है। जिसका चित्त एक क्षण भी आत्म तत्व में स्थित होता है उसकी अत्यंत समाधि है और क्षण क्षण बढ़ती जाती है, निवृत्त नहीं होती। जैसे अमृत के पान किए से उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है तैसे ही एक क्षण को भी समाधि बढ़ती ही जाती है। जैसे सूर्य के उदय हुए सब किसी को दिन भासता है तैसे ही ज्ञानवान को सब आत्म तत्व भासता है, कदाचित भिन्न नहीं भासता। जैसे नदी का प्रवाह किसी से रोका नहीं जाता तैसे ही ज्ञानवान की आत्मदृष्टि किसी से रोकी नहीं जाती और जैसे काल की गति काल को एक क्षण भी विस्मरण नहीं होती तैसे ही ज्ञानवान की आत्मदृष्टि विस्मरण नहीं होती। जैसे चलने से ठहरे पवन को अपना पवन भाव विस्मरण नहीं होता तैसे ही ज्ञानवान को चिन्मात्र तत्व का विस्मरण नहीं होता। और जैसे शत शब्द बिना कोई पदार्थ सिद्ध नहीं होता तैसे ही ज्ञानवान को आत्मा के सिवाय कोई पदार्थ नहीं भासता। जिस ओर ज्ञानवान की दृष्टि जाती है उसे वहाँ अपना आप ही भासता है। जैसे दर्पण के मंदिर में सर्व ओर अपना ही मुख भासता है। जैसे उष्णता बिना अग्नि नहीं, शीतलता बिना बर्फ नहीं और श्यामता बिना काजल नहीं होता तैसे ही आत्मा बिना जगत नहीं होता। हे साधो, जिसको आत्मा से भिन्न कोई पदार्थ नहीं भासता उसको उत्थान कैसे हो। मैं सर्वदा बोध रूप निर्मल और सर्वदा सर्वात्मा समाहित चित्त हूँ, इससे उत्थान मुझको कदाचित नहीं होगा। आत्मा से भिन्न मुझको कोई नहीं भासता, सब प्रकार आत्म तत्व ही मुझको भासता है। हे साधो, आत्म तत्व सर्वदा जानने योग्य है, सर्वदा और सब प्रकार आत्मा स्थित है, फिर समाधि और उत्थान कैसे। जिसको कार्य कारण में विभाग कलना नहीं फुरती और जो आत्म तत्व में ही स्थित है उसको समाहित असमाहित क्या कहिए। समाधि और उत्थान का वास्तव में कुछ भेद नहीं, आत्म तत्व सदा अपने आप में स्थित है, द्वैत भेद कुछ नहीं तो समाहित आत्म समाहित क्या कहिए। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे समाधि निश्चय वर्णन नाम सप्त पंचाश सप्तम सर्ग। सुरघु बोले, हे राजन, निश्चय करके अब तुम जगे हो और परम पद को प्राप्त हुए हो। तुम्हारा अंतःकरण पूर्णमासी के चंद्रमावत शीतल हुआ है और परम शोभा से तुम्हारा मुख शोभित होकर तुम ब्रह्म लक्ष्मी संपन्न और परमानंद से पूर्ण हुए हो। तुम्हारा हृदय कमल शीतल और स्निग्ध विराजमान है
और निर्मल तुम्हारी विस्तृत गंभीरता मुझको प्रकट भासती है। निर्मल शरत काल के आकाशवत तुम्हारा हृदय भासता है और अहंकार रूपी मेघ तेरा नष्ट हुआ है। हे राजन, अब तुमको सर्वत्र स्वस्थ और सर्वथा संतुष्टता है और किसी में राग नहीं। तुम वीतराग होकर विराजते हो। सार असार को तुमने भली प्रकार जाना है और उसे जानकर असार संसार रूपी समुद्र से पार हुए हो और महाबोध को तुमने ज्यों का त्यों जानकर अखंड स्थिति पाई है और भाव अभाव पदार्थ दोनों को तुम जानते हो। तुम जगत के सम असम पदार्थों से मुक्त हो और तुम्हारा आशय पवित्र है और तुम्हें मुदिता प्राप्त हुई है। इष्ट अनिष्ट ग्रहण त्याग तुम्हारा निवृत्त हुआ है। राग द्वेष और तृष्णा रूपी बादलों से रहित निर्मल आकाशवत तुम शोभते हो और अपने आप से तृप्त हुए हो और कुछ इच्छा तुमको नहीं है। सुरघ बोले, हे मुनीश्वर, इस जगत में ग्रहण करने योग्य वस्तु कोई नहीं। जो कुछ दृश्य पदार्थ हैं वे सब आभास रूप हैं, तो ग्रहण किसको कीजिए? और जो कहिए कि ग्रहण करने योग्य नहीं, इससे त्याग करिए, तो आभास रूप पदार्थों का त्याग क्या कीजिए और ग्रहण क्या कीजिए? क्योंकि है नहीं, सब तुच्छ पदार्थ हैं। जैसे सूर्य की किरणों में जल भासता है, तो उस जलाभास का कौन सा अंग ग्रहण कीजिए और कौन सा अंग त्याग कीजिए, तैसे ही यह जगत भी है। हे मुनीश्वर, जगत के कोई पदार्थ तुच्छ हैं और कोई अतुच्छ हैं। जो थोड़े काल में नष्ट हो जाते हैं सो तुच्छ हैं और जो चिरकाल पर्यंत रहते हैं वे अतुच्छ हैं, परंतु दोनों काल से उपजे हैं। अब मैंने अकाल रूप को देखा है, इससे दोनों तुल्य हो गए हैं, फिर इच्छा किसकी करूं? हे मुनीश्वर, जो पदार्थों को रमणीय जानते हैं वे उनकी इच्छा करते हैं, पर त्रिलोकी में रमणीय पदार्थ कोई नहीं। सब तुच्छ और नाश रूप हैं और अविचार से जीवों को भासते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो इंद्रियों के विषय हैं वे भी सब असार रूप हैं। स्त्री को बड़ा पदार्थ जानते हैं, पर वह भी देखने मात्र सुंदर है और भीतर से रक्त, मांस, विष्ठा और मूत्र का थैला बना हुआ है, इसमें भी कुछ सार नहीं। पर्वत बड़े पदार्थ हैं, सो पर्वत बट्टे हैं, समुद्र जल है, वनस्पति काष्ठ पत्र हैं, और इनसे आदि जो पदार्थ हैं वे सब आपात रमणीय हैं, विचार बिना सुंदर भासते हैं। इनकी जो इच्छा करते हैं वे अपने नाश के निमित्त करते हैं। जैसे पतंग दीपक की इच्छा करता है सो अपने नाश के निमित्त करता है और हिरण राग की इच्छा से नाश को प्राप्त होता है, तैसे ही जो विषयों की तृष्णा करते हैं वे अपने नाश को करते हैं। इससे विचार से रहित जो अज्ञानी हैं वे पदार्थों को रमणीय जानकर अपने नाश के निमित्त इच्छा करते हैं और जो समदर्शी ज्ञानवान हैं वे उन्हें अरमणीय जानकर किसी जगत के पदार्थ की इच्छा नहीं करते। जैसे सूर्य के उदय हुए अंधकार का अभाव होता है, तैसे ही जब पदार्थों का राग उठ गया तब तृष्णा किसमें रहे? हे साधो, राग द्वेष इच्छा ग्रहण त्याग जो कुछ विचार हैं उन सबसे रहित शुद्ध आत्म तत्व में स्थित हो। बहुत कहने से क्या है, जिस पुरुष के मन से वासना नष्ट हो गई है वह उपशमवान कल्याण मूर्ति परम पद को प्राप्त हुआ और संसार समुद्र से तर गया है। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे सुरग परिघ निश्चय वर्णन नाम अष्टपंचाशत्तम सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार सुरग और परिघ जगत को भ्रम रूप विचारते परस्पर गुरु जानकर पूछते रहे। फिर कुछ दिन उपरांत परिघ चला गया। हे राम जी, इनका जो परस्पर संवाद तुमको सुनाया है सो परम बोध का कारण है। इस विचार के क्रम से बोध की प्राप्ति होती है। तीक्ष्ण बोध से जब विचार करोगे तब अहंकार रूपी बादल का अभाव हो जावेगा और शुद्ध हृदय रूपी आकाश में आत्मा रूपी सूर्य का प्रकाश हो जावेगा। इससे परम पद के लाभ के निमित्त अहंकार रूपी बादल के अभाव का यत्न करो। आत्मा जो सत्य और सब आनंदों की संपदा चिदाकाश है उसमें स्थित पाओगे।
हे राम जी, जो पुरुष नित्य अंतर्मुखी अध्यात्ममय है और नित्य चिदानंद में चित्त को लगाता है, वह सदा सुखी है, उसको शोक कदाचित नहीं होता। और जो पुरुष आत्मपद में स्थित हुआ है, वह बड़े व्यवहार करे और राग द्वेष सहित दृष्टि आवे तो भी उसको कुछ कलंक नहीं होता। जैसे कमल जल में दृष्टि आता है तो भी ऊंचा रहता है, जल उसको स्पर्श नहीं करता। तैसे ही ज्ञानवान को व्यवहार का राग द्वेष हृदय में स्पर्श नहीं करता। हे राम जी, जिसका मन शांत हुआ है, उसको संसार के इष्ट अनिष्ट पदार्थ चला नहीं सकते। जैसे सिंहों को मृग दुख दे नहीं सकते, तैसे ही ज्ञानवान को जगत के पदार्थ दुख नहीं दे सकते। जिस पुरुष को आत्मानंद प्राप्त हुआ है, उसको विषयों की तृष्णा नहीं रहती और न वह विषयों के निमित्त कदाचित दीन होता है। जैसे जो पुरुष नंदन वन में स्थित होता है, वह कंटकों के वृक्ष की इच्छा नहीं करता, तैसे ही ज्ञानवान जगत के पदार्थों की इच्छा नहीं करता। हे राम जी, जिस जिस पुरुष ने जगत को अविद्या रूप जानकर त्याग किया है, उसके चित्त को जगत के पदार्थ दुख दे नहीं सकते। जैसे विरक्त चित्त पुरुष की स्त्री मर जावे तो उसको दुख नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान के चित्त में भोगों की दीनता ऐसे नहीं उपजती जैसे नंदन वन में कंटक का वृक्ष नहीं उपजता। जिस पुरुष को आत्मबोध हुआ है और संसार का कारण मोह निवृत्त हुआ है, वह जगत का कार्यकर्ता दृष्टि आता है, परंतु वह कार्य उसको स्पर्श नहीं करते। जैसे आकाश में अंधकार दृष्टि आता है, परंतु आकाश को स्पर्श नहीं करता। हे राम जी, अविद्या के निवृत्ति का कारण विद्या है और किसी उपाय से निवृत्ति नहीं होती। जैसे प्रकाश बिना तम निवृत्त नहीं होता, तैसे ही विचार बिना अविद्या निवृत्त नहीं होती। अविचार का नाम अविद्या है और विचार का नाम विद्या है। जब अविद्या नष्ट होगी तब विषय भोग स्वाद न देवेंगे और आत्मानंद से संतुष्टवान रहोगे। हे राम जी, ज्ञानवान को विचार के कारण इंद्रियों के व्यवहार अंधा नहीं करते। जैसे जल में मछली रहती है, उसको जल अंधा नहीं कर सकता, पर और अंधे हो जाते हैं। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है, तब अज्ञान रूपी रात्र निवृत्त हो जाती है, चित्त परमानंद को प्राप्त हो जाता है और राग द्वेष रूपी निशाचर नष्ट हो जाते हैं, तब फिर मोह को नहीं प्राप्त होता। जिसके हृदय आकाश में आत्मज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ है, उसका जन्म और कुल सफल होता है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अपने अमृत को पाकर अपने में ही शीतल होता है, तैसे ही जो पुरुष आत्मचिंतना में अभ्यास करता है, वह शांति पाता है। हे राम जी, बुद्ध श्रेष्ठ और सतशास्त्र वही है जिसमें संसार से वैराग और आत्म तत्व की चिंतना उपजे। जब जीव आत्म पद को पाता है, तब उसका सब क्लेश मिट जाता है और जिसकी आत्मचिंता में रुचि नहीं, वे महाअभागी हैं। ऐसे पुरुष चिर पर्यंत कष्ट पावेंगे और जन्म रूपी जंगम के वृक्ष होंगे। हे राम जी, जीव रूपी बैल अनेक आशा रूपी फांसियों से बधा है, जरा अवस्था रूपी पत्थरों के मार्ग से जर्जरी भूत होता है, भोग रूपी गड्ढे में गिरा है और कर्म रूपी भार को लिए जन्म रूपी जंगम में भटककर कर्म कीचड़ में फंसा हुआ राग द्वेष रूपी मच्छरों से दुखी होता है, स्नेह रूपी रथ को पकड़ के खींचता है और पुत्र आदि की ममता रूपी कीचड़ में गोते खाता है और मोह संसार रूपी मार्ग में कर्म रूपी रथ के साथ लगता है और ऊपर से अज्ञान रूपी तप्तता से जलता है और संत जन और सतशास्त्र रूपी वृक्ष की छाया नहीं पाता। हे राम जी, जीव रूपी ऐसा बैल है, उसको निकालने का यत्न करो। जब तत्व का अवलोकन करोगे तब चित्त भ्रम नष्ट हो जाएगा। हे राम जी, संसार रूपी समुद्र के तरने का उपाय सुनो। महापुरुष और संतजन मल्लाह हैं, उनका युक्ति रूपी जहाज है, उससे संसार रूपी समुद्र तर जावेगा। और उपाय कोई नहीं, यही परम उपाय है। जिस देश में संतजन रूपी वृक्ष नहीं है और जिनकी फलों सहित शीतल छाया नहीं है, उस निर्जन मरुस्थल में एक दिन भी न रहिए। हे राम जी, संतजन रूपी वृक्ष हैं, जिनके स्निग्ध और शीतल वचन रूपी पत्र हैं, प्रसन्न होना सुंदर फूल है और निश्चय उपदेश रूपी फल है। जब यह पुरुष उनके निकट जावे, तब महामोह रूपी तप्तता से छूटेगा
और शांति पाकर तृप्त होगा, तभी तीनों को पाकर अघावेगा और सब दुखों से मुक्त होगा। हे राम जी, अपना आप ही मित्र है और अपना आप ही शत्रु है। अपने आप को जन्म रूपी कीचड़ में न डाले। जो देह में अहंग भावना से विषयों की तृष्णा करता है, वह अपना आप ही नाश करता है। जो देह भाव को त्याग कर आत्म अभ्यास करता है, वह अपना आप उद्धार करता है और वह अपना आप ही मित्र है। और जो आपको संसार समुद्र में डालता है, यह अपना आप ही शत्रु है। हे राम जी, प्रथम यह विचार कर देखे कि जगत क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ है और कैसे निवृत्त होगा, मैं कौन हूँ, सत्य क्या है और असत्य क्या है। ऐसे विचार कर जो सत्य है उसको अंगीकार करे और जो असत्य है उसका त्याग करे। हे राम जी, न धन कल्याण करता है, न मित्र बांधव और न शास्त्र कल्याण करते हैं। अपना उद्धार आपसे होता है, इससे तुम अपने मन के साथ मित्रता करो। जब वह दृढ़ वैराग्य और अभ्यास करे, तब संसार कष्ट से छूटे। जब वैराग्य अभ्यास से तत्व के अवलोकन से अहंता रूप बेड़ी कटे, तब संसार समुद्र से तर जाता है। हे राम जी, जीव रूपी हाथी जन्म रूपी गड्ढे में गिरा हुआ है, तृष्णा और अहंकार रूपी जंजीर से बंधा है और कामना रूपी मद से उन्मत्त है। जब उनसे छूटे तब मुक्त हो। हे राम जी, हृदय रूपी औषध से अनात्म अभिमान रूपी रक्त रोग हो गया है। जब विचार रूपी नेत्रों से उसको दूर कीजिए, तब आत्म रूपी सूर्य का दर्शन हो। हे राम जी, और उपाय कोई न करो तो एक उपाय तो अवश्य करो कि देह को काष्ठ लोष्ठवत जानकर इसका अभिमान त्यागो। जब अहं अभिमान रूपी बादल नष्ट होगा, तब आप ही आत्मा रूपी सूर्य प्रकाश आवेगा। जब अहंकार रूपी बादल लय होगा, तब आत्म तत्व रूपी सूर्य भासेगा। वह परमानंद स्वरूप है, सुषुप्त मौन है, अर्थात केवल अद्वैत तत्व है। वाणी से कहा नहीं जाता, अपने अनुभव से आप ही जाना जाता है। हे राम जी, सब जगत अत्यंत आत्मा है। जब चित्त का दृढ़ परिणाम उसमें हो, तब स्थावर जंगम रूप जगत में वही दिव्य देव भासेगा और वासना सब निवृत्त हो जावेगी। तब अनुभव से केवल परमानंद आत्म तत्व दिखाई देगा। सो स्वरूप पूर्ण और अद्वैत है। सब जगत का त्याग कर उसी के पाने का यत्न करो। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे कारणोपदेशो नामैकोन षष्टितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मन से मन को छेदो और अहं मम भाव को त्यागो। जब तक मन नष्ट नहीं होता, तब तक जगत के दुख निवृत्त नहीं होते। जैसे मूर्ति का सूर्य मूर्ति के नष्ट हुए बिना अस्त नहीं होता, जब मूर्ति नष्ट हो तब सूर्य का आकार भी दूर हो, तैसे ही जब मन नष्ट हो तब संसार के दुख नष्ट हो जाएंगे, अन्यथा नष्ट न होंगे। हे राम जी, जैसे प्रलय काल में अनंत दुख होता है, तैसे ही मन के होने से अनंत दुख होते हैं। और जैसे मेघ के वर्षने से नदी बढ़ती जाती है, तैसे ही मन के जागे से आपदा बढ़ती जाती है। इसी पर एक पुरातन इतिहास मुनीश्वर कहते हैं, सो परस्पर सुहृदों का हेतु है। हे राम जी, सहयाचल सब पर्वतों में बड़ा पर्वत है, उस पर फूलों के समूह और नाना प्रकार के वृक्ष हैं, जल के झरने चलते हैं और मोतियों के स्थान और सुवर्ण के शिखर हैं, कहीं देवताओं के स्थान हैं और कहीं पक्षी शब्द करते हैं। नीचे क्रांत रहते हैं, ऊपर सिद्ध देवता और विद्याधर रहते हैं, पीठ में मनुष्य रहते हैं और नीचे नाग रहते हैं। मानो संपूर्ण जगत का गृह यही है। उसके उत्तर दिशा में सुंदर वृक्ष और फूलों से पूर्ण तालाब है, जिसकी महासुंदर रचना स्वर्ग की सी है। वहां अत्रि नामक एक ऋषिश्वर साधुओं के श्रम दूर करने वाला रहता था। उसके आश्रम के पास दो तपस्वी आ रहने लगे, जैसे आकाश में बृहस्पति और शुक्र आ रहे। उन दोनों के गृह में दो महासुंदर पुत्र जैसे कमल उत्पन्न हो तैसे ही उत्पन्न हुए। उनमें एक का नाम भास और दूसरे का नाम विलास हुआ। दोनों क्रम से बड़े हुए और जैसे अंकुर के दोनों पत्र बढ़ते हैं तैसे ही वे बढ़ने लगे। परस्पर उनकी प्रीति बहुत बढ़ी और इकट्ठे रहने लगे। जैसे तिल और तेल और फूल और सुगंध इकट्ठे रहते हैं, तैसे ही स्त्री पुरुष की प्रीति आपस में होती है, तैसी ही उनकी प्रीति बढ़ी। वे देखने मात्र तो दो
मूर्ति दृष्टि आते थे, परंतु मानो एक ही थे। उनकी स्नान आदि क्रिया और मानसिक क्रिया भी एक समान थी और वे महासुंदर प्रकाशवान थे, जैसे चंद्रमा और सूर्य हों। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तब उनके माता पिता शरीर त्याग कर सर्प हो गए और उनके वियोग से वे दोनों शोकवान हुए और जैसे कमल की कांति जल बिना जाती रहे तैसे ही उनके मुख की कांति कुम्हिला गई। फिर उन्होंने उनके मरने की सब क्रिया की और उनके गुण सुमिरण करके विलाप करें और महाशोकवान हों, क्योंकि महापुरुष भी लोक मर्यादा नहीं लांघते। हे राम जी, इस प्रकार शोक कर उनका शरीर कृश हो गया। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे भास विलास वृतांत वर्णन नाम षष्टितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे उजाड़ वन का वृक्ष जल बिना सूख जाता है तैसे ही उनका शरीर सूख गया। तब वे दोनों शोकातुर होकर विचरने लगे। जैसे समूह से बिछड़ा हिरण शोकवान होता है तैसे ही वे दुखी हुए, क्योंकि उनको निर्मल ज्ञान प्राप्त न था। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तब वे फिर आ मिले। विलास ने कहा, हे भाई, हृदय को आनंद देने वाला अमृत का समुद्र जीवन रूप जो वृक्ष है उसका फल सुख है, सो तुम इतने काल क्या सुख से रहे? तुम्हारा हमारा वियोग हो गया था तब तुम कैसी क्रिया करते रहे? क्या तुमने अपना कुछ चित्त निर्मल किया है और अब आत्मपद पाया है? क्या अब तुम्हारी बुद्धि शोक से रहित होकर विद्या तुमको फली है और तुम अब कुशल रूप हुए हो? भास बोले, हे साधो, अब हमको कुशल हुई जो तुम्हारा दर्शन हुआ। जगत में कुशल कहाँ है? इस संसार में स्थित हुए हमको सुख और कुशल कहाँ है? हे साधो, जब तक गेय परमात्म तत्व को नहीं पाया, जब तक चित्त भूमिका क्षीण नहीं हुई और जब तक संसार समुद्र को नहीं तरे, तब तक कुशल कहाँ है? जब तक चित्त से दुख निवृत्त नहीं होता तब तक चित्त की भूमिका नष्ट नहीं होती। जब तक संसार समुद्र से पार नहीं होते तब तक हमको सुख कहाँ है? जब तक चित्त रूपी क्षेत्र में आशा रूपी कंटकों की बेल बढ़ती जाती है और आत्म विचार रूपी हंसिए से नहीं काटी जाती तब तक हमको कुशल कहाँ? जब तक आत्मज्ञान उदय नहीं हुआ तब तक हमको कुशल कहाँ है? हे साधो, संसार रूपी विसूचिका रोग आत्मज्ञान रूपी औषध बिना दूर नहीं होता। सब जीव नित्य वही क्रिया करते हैं जिससे दुख प्राप्त हो, इससे सुख को नहीं पाते। देह रूपी वृक्ष में बाल अवस्था रूपी पत्र हैं और यौवन और वृद्ध अवस्था रूपी फल हैं, सो मृत्यु के मुख में जा पड़ता है, उपजता है और फिर नष्ट होता है। यह सुख जो लवाकार है और दुख जिसका दीर्घ से दीर्घ है, ऐसे जो शुभाशुभ आरंभ हैं उसमें इनको दिन रात्र व्यतीत होते हैं। हे साधो, चित्त रूपी हाथी वैराग्य रूपी जंजीर बिना तृष्णा रूपी हथनी के पीछे दूर से दूर चला जाता है। जैसे चिल्ह पक्षी मांस की ओर जाता है तैसे ही चित्त विषयों की ओर धावता है और आत्मा रूपी चिंता मणि की ओर नहीं जाता। अहंकार रूपी चिल्ह देहादिक रूपी मांस की ओर धावता है और सुख रूपी कमल अपान रूपी धूल से धूसर हो जाता है और भोग रूपी बर्फ से नष्ट हो जाता है। हे साधो, यह देह रूपी कूप में गिरा है जिसमें भोग रूपी सर्प है, आशा रूपी कंटक है और तृष्णा रूपी जल है, उसमें दुख पाता है। हे साधो, नाना प्रकार के रंग रंजना रूपी भोग हैं और जिसमें तृष्णा रूपी चंचलता है ऐसे चैत्य दृश्य में मग्न है। चिंता रूपी ध्वजा काल रूपी वायु से हिलती है। चित्त रूपी समुद्र में चिंता रूपी भंवर हैं जिसमें जीव रूपी तृण आय कष्ट पाता है और बुद्ध रूपी पक्षिणी है जो वासना रूपी जाल से कष्ट पाती है। यह मैंने क्या किया, यह करती हूँ और यह करूँगी, इसी वासना रूपी जाल में बुद्ध रूपी पक्षिणी कष्ट पाती है, एक क्षण भी विश्रामवान नहीं होती। हे भाई, इस चित्त रूपी कमल को राग द्वेष रूपी हाथी चूर्ण करता है। यह मेरा सुहृद है
है, यह मेरा शत्रु है, यह अहम मम ही उसको मारता है। शुद्ध आत्म रूप को त्याग कर देहादिक अनात्म रूप में अहं भाव करता है और दीनता को प्राप्त होता है। जैसे राज्य से रहित राजा कष्ट पाता है, तैसे ही आत्मभाव से रहित कष्ट पाता है और देहाभिमानी जन्म मरण के दुख देखता है। जब देहाभिमान को त्याग करे तब कुशल हो, अन्यथा कुशल नहीं होती। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे अंतर प्रसंगो नामैक षष्टितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार उन्होंने परस्पर कुशल प्रश्न किया। जब कुछ काल व्यतीत हुआ, अभ्यास द्वारा उनको निर्मल ज्ञान प्राप्त हुआ और मोक्ष पद को प्राप्त हुए। इससे हे राम जी, कल्याण के निमित्त ज्ञान के सिवा और मार्ग कोई नहीं। जिसका चित्त आशा रूपी फांसी से बंधा है, वह संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता। इससे जीव संसार समुद्र में गोते खाता है और ज्ञानवान शीघ्र ही ऐसे तर जाता है जैसे गोपद लंघने में सुगम होता है। जैसे जिस पक्षी के पंख टूटे हैं सो समुद्र को नहीं तर सकता, बीच में ही गिर के गोते खाता है और गरुण पंखों से शीघ्र ही लंघ जाता है। तैसे ही जिन पुरुषों के वैराग्य और अभ्यास रूपी पंख टूटे हैं, वे संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते और जिन पुरुषों के वैराग्य और अभ्यास रूपी पंख हैं, वे शीघ्र ही तर जाते हैं। हे राम जी, जो देह से अतीत महात्मा पुरुष चिन्मात्र तत्व में स्थित हुए हैं, वे ऊंचे होकर देखते हैं और अपने आप को देख के हंसते हैं। जैसे सूर्य जनता को देख हंसता है, अर्थात जगत की क्रिया से निर्लेप रहता है। जैसे रथ के टूटे से रथवाहक को कुछ खेद नहीं होता, तैसे ही देह के दुख से ज्ञानवान को कदाचित खेद नहीं होता और मन के क्षोभ से भी आत्म तत्व में कुछ क्षोभ नहीं होता। जैसे तरंग पर धूल पड़ती है तो उससे समुद्र को कुछ लेप नहीं होता, तैसे ही मन के दुख से आत्मा को क्षोभ नहीं होता। हे राम जी, जैसे जल और हंस का और जल और नौका का कुछ संबंध नहीं, तैसे ही देह और आत्मा का कुछ संबंध नहीं। जैसे पहाड़ और समुद्र का संबंध नहीं, तैसे जल पत्थर और काष्ठ एक ठौर रहते हैं परंतु कुछ संबंध नहीं। और जैसे जल और नौका का संसर्ग होता है तो जल कण के उठते हैं, तैसे ही देह और आत्मा के संयोग से चित्त वृत्ति फुरती है। हे राम जी, जीव को दुख संग से ही होता है। जहाँ अहम मम का अभिमान होता है वहाँ दुख भी होता है और जहाँ अहम मम का अभिमान नहीं वहाँ दुख भी कुछ नहीं होता। जैसे मछली को जल में ममत्व होता है और उसके वियोग से दुख पाती है, तैसे ही जिस पुरुष को देह में अहम मम भाव है वह बड़ा कष्ट पाता है और जिसको देह में अभिमान नहीं उसको दुख नहीं होता। हे राम जी, ज्यों ज्यों मन से संसर्गता निवृत्त होती है त्यों त्यों भोग प्रवाह कष्ट नहीं देता। जैसे जल से पत्थर को कष्ट नहीं होता और जैसे दर्पण में पर्वत का प्रतिबिंब होता है सो दर्पण को प्रतिबिंब का संग नहीं होता और कष्ट भी नहीं होता। तैसे ही जब देह से संसर्ग भाव उठ जाता है तब कोई कष्ट नहीं होता। जैसे दर्पण को कुछ कष्ट नहीं होता, तैसे ही आत्मा और जगत की क्रिया है। हे राम जी, सर्वथा संवित मात्र आत्मतत्व स्थित है, वह शुद्ध है और द्वैत शब्द के फुरने से रहित है। जो उसमें स्थित है उसका द्वैत शब्द नहीं फुरता और जो अज्ञानी है उसको द्वैत कलना उठती है। हे राम जी, यह सब जीव और दुख रूप है परंतु अज्ञान से आपको दुखी जानते हैं। जैसे स्थाणु में चोर भावना अविचार से होती है, तैसे ही आत्मा में दुख की भावना अविचार से होती है। यह जीव अशब्द रूप है परंतु कलना के वश से आपको संबंधी जानता है। जैसे स्वप्न में अंगना बंधन करती है और स्थाणु में वैताल भासता है और भय प्राप्त होता है, तैसे ही अपनी कल्पना से जीव बंधवान होता है। हे राम जी, देह और आत्मा का संबंध असत्य है। जैसे जल और नौका का संबंध असत्य है, यदि जल का अभाव हो तो नौका को कुछ चिंता नहीं होती और नौका का अभाव हो तो जल को कुछ चिंता नहीं, तैसे ही आत्मा और देह का संबंध असत्य है। जब ऐसे जानकर हृदय संग से रहित हो तब देह का सुख कुछ नहीं लगता। देह के दुख में आपको दुखी मानना, देह से अहं भावना करके आत्मा दुखी
होता है। जब देह में अभिमान को त्याग दे तब सुखी हो, ऐसे बुद्धीश्वर कहते हैं। जैसे जल और पत्थर इकट्ठे रहते हैं परंतु भीतर संग का अभाव है, इससे उन्हें कुछ दुख नहीं होता, वैसे ही हृदय से संग रहित हो तब देह इंद्रियों के होते भी दुख का स्पर्श कुछ न हो और निर्दुख पद को प्राप्त हो। हे राम जी, जिसको देह में आत्माभिमान है उसको जन्म मरण दुख रूप संसार भी है। जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है तैसे ही देहाभिमान से सुख दुख रूप संसार उत्पन्न होता है और संसार समुद्र में डूबता है। जो हृदय से संग से रहित होता है सो संसार समुद्र के पार हो जाता है। हे राम जी, जिसके हृदय में देहाभिमान है उसके चित्त रूपी वृक्ष में मोह रूपी अनेक शाखा उत्पन्न होती है और जिसका हृदय संग से रहित है उसका मोह लीन हो जाता है, उसको चित्त लीन कहते हैं। जिसका चित्त देहादिकों में बंधवान है उसको नाना प्रकार का भ्रम रूप जगत भासता और जिसका चित्त देहादिकों में बंधवान नहीं वह एक आत्मभाव को देखता है। जैसे टूटी आरसी में अनेक प्रतिबिंब भासते हैं और साजी एक ही प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, तैसे ही संशय युक्त चित्त में नाना प्रकार का जगत भासता है और शुद्ध चित्त में एक आत्मा ही भासता है। हे राम जी, जो पुरुष व्यवहार करते हैं और संग से रहित हैं ऐसे निर्मल पुरुष संसार से मुक्त हैं, और जो सर्व व्यवहार को त्याग बैठते हैं और तप भी करते हैं पर चित्त आसक्त है सो बंधन में है। जो हृदय में संग से रहित है वह मुक्त है और अंतर चित्त किसी पदार्थ में बंध है वह बंध है। बंध और मुक्त का इतना ही भेद है। जिसका हृदय असंग है वह सब कार्यकर्ता भी अकर्ता है। जैसे नट सब स्वांगों को धरता भी अलेप है तैसे ही वह पुरुष अलेप है। जो हृदय में अभिमान सहित है वह कुछ नहीं करता तो भी करता है। जैसे सर्व व्यवहार त्याग कर जीव शयन करता है और स्वप्न में अनेक सुख दुख भोगता है तैसे ही वह सब कुछ करता है। चित्त के करने से करता है, चित्त के न करने से ही अकरता है। शरीर से करना सो करना नहीं और शरीर से न करना सो न करना नहीं। ब्रह्म हत्या से भी असंयुक्त पुरुष को कुछ पाप नहीं लगता और जो अश्वमेध यज्ञ करे तो कुछ पुण्य नहीं होता। जिसके चित्त में सब आसक्ति दूर हुई है वह पुरुष मुक्त स्वरूप है और धन्य धन्य है। जिसका चित्त आसक्त है वह बंध और दुखी है। जो पुरुष आसक्त तता से रहित है वह आकाश की भांति निर्मल है और समभाव एक अद्वैत आत्म तत्व में स्थित है। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे अंतरा संग विचारो नाम द्विषष्टितमः सर्गः। राम जी ने पूछा, हे भगवन, संग किसको कहते हैं? बंध रूप संग किसको कहते हैं? मोक्ष रूप असंग किसको कहते हैं? और संग बंधनों से मुक्त किसका नाम है और किस उपाय से मुक्त होता है वह कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, देह और देही का जो संग है उसका त्याग करो और उसके साथ जो मिलकर करता है वह देह मात्र में अपना विश्वास करता है कि इतना ही मैं हूँ, इसी को संग और बंध कहते हैं। हे राम जी, आत्म तत्व अनंत है, देह मात्र में अहम भावना से आपको उतना ही मानना और उसमें अभिमान करके सुख की इच्छा करना इसी का नाम बंध है और इसी को संग कहते हैं। जिसको यह निश्चय हुआ है कि सर्व आत्मा ही है, मैं किसकी इच्छा करूं और किसका त्याग करूं, वह इस असंग से जीवन मुक्त कहता है। अथवा न मैं हूँ न यह जगत है, सर्व भाव अभाव को त्याग कर अद्वैत सत्ता में स्थित होने का नाम जीवन मुक्त है। जिसे न कर्मों के त्याग की इच्छा है न करने की इच्छा है और हृदय से कर्तृत्व भाव नहीं, इस संग का जिसने त्याग किया है वह असंग कहता है। हे राम जी, जिसको आत्म तत्व में निश्चय है और जो राग द्वेष हर्ष शोक के वश नहीं होता वही असंग कहता है। जिसने सर्व कर्मों का फल यह समझकर त्याग किया है कि मैं कुछ नहीं करता, ऐसा जो मन से त्याग है वह असंगी कहता है और उसको कोई कर्म बंधन नहीं कर सकता, किंतु दैवी संपदा उसको प्राप्त होती है। और जो ससंसक्त पुरुष कर्तृत्व भोक्तृत्व के अभिमान सहित है उसको अनंत दुख उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई गड्ढे में गिरे और उसमें कंटकों के वृक्ष हों तो उनमें वह कष्ट पाता है,
तैसे ही संसक्त पुरुष कष्ट पाता है। हे राम जी, संग के वश से विस्तृत दुख की परंपरा उत्पन्न होती है, जैसे बबूल के वृक्ष से कंटक उत्पन्न हो। हे राम जी, जैसे नासिका में रस्सी डालकर ऊंट, बैल और गधे भार उठाते फिरते हैं और मार खाते हैं, तैसे ही संसक्त पुरुष आशा रूपी फांसी से बंधे हुए दुख पाते हैं, उसी संसक्तता का फल ऊंटादिक भोगते हैं। इसी प्रकार संसक्तता का फल वृक्ष भोगते हैं, जल में रहते हैं, शीत उष्ण से कष्टवान होते हैं और कुल्हाड़े से काटे जाते हैं, पृथ्वी के छिद्र में कीट होते हैं और अंग पीड़ा से कष्ट पाते हैं, अन्नादिक उगते हैं, हसिये से काटे जाते हैं और हृदय में दुख पाते हैं, फिर बोए जाते हैं, फिर काटते हैं, सो संसक्तता का ही फल भोगते हैं। इस प्रकार जो योनि पाते हैं और कष्टवान होते हैं सो संसक्त हैं। हरे तृणों को हरिण खाते हैं और बधिक उनको बाण से मारता है, तब कष्टवान होते हैं। जो जीव तुझको दृष्टि आते हैं वे इस प्रकार संसक्तता से बांधे हुए हैं। संसक्तता भी दो प्रकार की है, एक बंधन और एक वंदना करने योग्य है। जो तत्ववेत्ता है वह वंदना करने योग्य है। हे राम जी, जो आत्म तत्व से गिरा है और देहादिक में अभिमानी हुआ है वह मूढ़ है और संसार में जन्म को प्राप्त होता है, और जिसको आत्म तत्व का ज्ञान हुआ है और निष्ठा है वह वंदना करने योग्य है। इसको फिर संसार का जन्म मरण नहीं होता। जिसके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म है, जिसको आत्म तत्व में निश्चय है और आत्म तत्व में संसक्त है, और जो तीनों लोकों की पालना करता है वह वंदना करने योग्य है। निरालंब सूर्य जो आकाश में विचरता है और सदा स्वरूप निष्ठ है वह वंदना करने योग्य है। महाप्रलय पर्यंत जो जगत को उत्पन्न करता है, जो सदा शिव स्वरूप में संसक्त है और जो ब्रह्मा रूप होकर विराजता है वह वंदना करने योग्य है। जो लीला से स्त्री को अर्धांग रखता है, उसके प्रेम रूपी बंधन से बधा है, विभूति लगाता है, सदा स्वरूप में संसक्त है और शंकर वप उधार कर स्थित है, वह वंदना करने योग्य है। इनसे आदि लेकर सिद्ध देवता, विद्याधर, लोकपाल, जिनकी स्वरूप में संसक्ति है, वे सब मुक्त स्वरूप हैं और वंदना करने योग्य हैं। और जो देहादिकों में संसक्त हैं वे बंध हैं और जन्म, जरा और मृत्यु पाते हैं और कष्टवान होते हैं। हे राम जी, जिनको शरीर में अभिमान है वे यदि बाहर से उदार भी दृष्टि आते हैं, परंतु जब भोगों को देखते हैं तब इस प्रकार गिरते हैं, जैसे मांस को देखकर आकाश से चील पखेरु गिरते हैं, तो वे वृथा यत्न करते हैं। हे राम जी, जो संसक्त जीव हैं वे बंधे हुए हैं। कोई देवता रूपधार स्वर्ग में रहते और कोई मनुष्य लोक में रहते हैं, बहुत से सर्प आदिक होके पाताल में रहते हैं और तीनों लोकों में भटकते फिरते हैं। जैसे गूलर में मच्छर रहते हैं तैसे ही ब्रह्मांड में संसक्त जीव रहते और मिट जाते हैं। काल रूपी बालक का जीव रूपी गेंद है, वह उसे कभी नीचे को उछालता है और कभी ऊपर को उछालता है। हे राम जी, जो कुछ जगत है वह सब असत्य रूप है। मन रूपी चितेरे ने संग रूपी रंग से शून्य आकाश में जो देहादिक जगत लिखा है वह सब असत्य रूप है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते और मिट जाते हैं, तैसे ही जीव ब्रह्मांड में उपजते रहते हैं। जिसका मन देहादिक में संसक्त है वह तृष्णा रूपी अग्नि से तृणों की भांति जलता है। हे राम जी, जो संसक्त पुरुष हैं उसके शरीर पाने की कुछ संख्या नहीं। मेरु के शिखर से लेकर चरणों पर्यंत गंगा का प्रवाह चले तो उसके कणके चाहे गिने जा सकें, परंतु संसक्त जीवों के शरीरों की संख्या नहीं हो सकती। जो कुछ आपदा है वह उनको प्राप्त होती है। जैसे समुद्र में सब नदियां प्राप्त होती हैं तैसे ही सब आपदा उसको प्राप्त होती है। हे राम जी, जो देहाभिमानी सदा विषयों का सेवन करते हैं वे रौरव काल सूत्र आदिक नरकों में जलेंगे, और जो कुछ दुख के स्थान हैं वे सब उनको प्राप्त होंगे। जो असंग संगति चित्त हैं उन पुरुषों को सब विभूति प्राप्त होती है। जैसे वर्षा काल में नदियां जल से पूर्ण होती हैं और मान सरोवर में
सब हंस आन स्थित होते हैं, तैसे ही असंसक्त चित्त पुरुष को दैवी संपदा प्राप्त होती है। जिस पुरुष को देहाभिमान बढ़ जाता है उसे विष की भांति जानो, और जिसका देहाभिमान घट जाता है उसको अमृत रूप जानो। विष ज्यों ज्यों बढ़ता है त्यों त्यों मारता है, और अमृत ज्यों ज्यों बढ़ता है त्यों त्यों अमर होता है। हे राम जी, जो पुरुष देहाभिमान को त्याग कर स्वरूप में संसक्त होता है वह सुखी होता है, और जिसके हृदय में दृश्य का संग है उसको यह संसक्त रूपी अंगार जलावेगा। जिसके हृदय में संग नहीं वह असंग रूपी अमृत से सुखी होवेगा, और चंद्रमा की भांति शीतल मुक्त रूप होगा। उसका अविद्या रूपी विसूचिका रोग नष्ट होकर वह शांत रूप होगा। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे संसक्त विचारो नाम त्रिषष्टितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जो मैंने तुमको उपदेश किया है इसको विचार करके अभ्यास करो, और सर्वदा काल सर्वस्थान और सर्व कर्मों के कर्ता चित्त को देहादिक में मत संसक्त कर केवल आत्मचेतन में स्थित करो। हे राम जी, किसी वस्तु को सत्य जान के चित्त न लगाओ, न आकाश में, न अधह में, न ऊर्ध्व में, न दिशा में, न बाहर, न भीतर, न प्राण में, न उर्मे, न मूर्धा में, न तालु में, न भौंह के मध्य में, न नासिका में, न जागृत स्वप्न सुषुप्ति में, न तम में, न प्रकाश में, न श्याम में, न रक्त में, न पीत में, न श्वेत में, न स्थिर में, न चल में, न आदि में, न अंत में, न मध्य में, न दूर में, न निकट में, न चित्तादि अंतःकरण में, न शब्द में, न स्पर्श रूप रस गंध में, और न कलना अकलना में चित्त लगावें। सब ओर से चित्त को रोककर चेतन तत्व में विश्राम करो। द्वैत को लेकर चेतन तत्व का आश्रय न करो। हे राम जी, जब सबसे निराश होगे और आत्म तत्व में स्थित होगे तब विगत संग होगे और जीव का जीवत्व चला जावेगा। केवल चिदात्मा होकर स्थित होगे तब सब व्यवहार करो अथवा न करो, करते भी अकर्ता होगे अथवा इसका भी त्याग करो। केवल चिदानंद शांत रूप जो तत्व है उसमें स्थित हो, तब अद्वैत रूप तत्व स्वाभाविक भासेगा। जैसे बादलों के दूर हुए सूर्य स्वाभाविक भासता है, तैसे ही फुरने से रहित होने से चेतन तत्व भास आवेगा। और जैसे प्रकाश रूप चिंतामणि स्वाभाविक भास आता है, तैसे ही आत्म प्रकाश स्वाभाविक भास आवेगा। फिर जो कुछ क्रिया तुम करोगे वह सब फलदायक न होगी। जैसे कमल को जल नहीं स्पर्श करता तैसे तुमको क्रिया न स्पर्श करेगी, और चित्त आत्मगति निर्वाण रूप होगा, और क्रिया करता भी अकर्ता रहोगे। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे शांत समाचार योगोपदेशो नाम चतुःषष्टितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, असंसक्त पुरुष ध्यान करे अथवा व्यवहार करे वह सदा ध्यान में स्थित और शोक से रहित है। बाहर से यदि वह क्षोभमान दृष्टि आता है परंतु हृदय उसका सर्व कलना से रहित है, और वह संपूर्ण लक्ष्मी से शोभता है। हे राम जी, जिस पुरुष का चित्त चैत्य से रहित अचल है सो विगत ज्वर है, उसको कुछ दुख स्पर्श नहीं करता। जैसे जल कमलों को स्पर्श नहीं करता और औरों को निर्मल करता है, और जैसे निर्मली मलिन जल को निर्मल करती है तैसे ही वह जगत को निर्मल करता है। जो आत्म तत्व में लीन है सो क्षोभमान भी दृष्टि आता है परंतु क्षोभ उसे कदाचित नहीं। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब क्षोभमान दृष्टि आता है परंतु सूर्य को कदाचित क्षोभ नहीं, तैसे ही ज्ञानवान का चित्त क्षोभायमान दृष्टि आता है पर क्षोभ उसे कदाचित नहीं। हे राम जी, आत्मा रामी पुरुष बाहर से मोर के पुच्छवत चंचल भी दृष्टि आता है परंतु हृदय से सुमेरु पर्वत की भांति अचल है। जिनका चित्त आत्मपद में स्थित हुआ है उनको सुख दुख अपने वश नहीं कर सकते। जैसे स्फटिक को प्रतिबिंब का रंग नहीं चढ़ता तैसे ही ज्ञानवान को सुख दुख का रंग नहीं चढ़ता। जिस पुरुष को परावर ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है उसका चित्त राग द्वेष से रंजित नहीं होता। जैसे आकाश में बादल दृष्टि आता है परंतु आकाश से स्पर्श नहीं करता तैसे ही ज्ञानवान के चित्त को राग द्वेष स्पर्श नहीं करते। जो आत्मध्यानी है और जो परम बोध का साक्षात्कार होकर कलना मल से मुक्त हुआ है
वह पुरुष असंसक्त कहता है। हे राम जी, जो आत्मा रामी पुरुष है उनकी आत्मज्ञान के अभ्यास से संसक्तता निवृत्त हो जाती है, अन्यथा संसक्त भाव निवृत्त नहीं होता। जब चित्त परिणाम आत्मा की ओर होगा, जैसे चंद्रमा परिणाम के वश से अमावस्या को सूर्य रूप हो जाता है, तब चित्त दृढ़ परिणाम के वश से आत्मरूप हो जाएगा। जब चित्त चैत्य भाव से हीन होता है तब क्षीण चित्त कहता है और शांत कलना कहता है, तब जागृत भी सुषुप्त रूप हो जाता है। उस अवस्था में जो कुछ क्रिया करता है सो फल का आरंभ नहीं होती, क्योंकि वह तो निरहंकार हो जाता है। जैसे यंत्री की पुतली अहंकार से रहित चेष्टा करती है और संवेदन से रहित है, उसको कोई दुख नहीं होता, तैसे ही निरहंकार निःसंवेदन पुरुष निर्दुख और निर्लेप कहता है। हे राम जी, इष्ट अनिष्ट भाव अभाव रूपी जगत चित्त में होता है। जब चित्त आत्मभाव को प्राप्त हुआ तब किससे किसको बंधन हो, तब तो सब आत्मतत्व होता है। जैसे नट सर्व स्वांग को धारता है और अपना अभिमान किसी से नहीं करता, तैसे ही सुषुप्त बोध पुरुष जगत की क्रिया करता है और बंधवान नहीं होता, जीवन मुक्त होकर स्थित होता है। हे राम जी, सुषुप्त बोध का आश्रय करके जगत की क्रिया करो, पर क्रिया कर्म कर्ता त्रिपुटी की भावना से रहित रहो, तब तुमको कुछ दुख न होगा। ग्रहण और त्याग में अभिमान न होगा, यथा प्राप्त में स्थित होगे। सुषुप्त बोध में जो स्थित है सो करता हुआ भी कुछ नहीं करता, ऐसे निश्चय को धार करके जैसे इच्छा हो तैसे करो। हे राम जी, ज्ञानवान की चेष्टा बालकवत होती है। जैसे बालक अभिमान से रहित पालने में अंगों को हिलाता है, तैसे ही ज्ञानवान अभिमान से रहित कर्म करता है और फल का स्पर्श उसे नहीं होता। जब चित्त अचित्त रूप हो जाता है तब जागृत जगत सुषुप्त रूप हो जाता है और जो कुछ क्रिया करता है वह स्पर्श नहीं करती। हे राम जी, जब जगत से सुषुप्त दशा होती है तब हृदय शीतल हो जाता है, राग द्वेष कुछ नहीं फुरते और आत्मानंद से पूर्ण होता है। और जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा शोभता है तैसे ही वह शोभता है। जो सुषुप्त बोध में स्थित है वह महातेजवान होता है और आत्मानंद से पूर्ण चंद्रमा की भांति हो जाता है। हे राम जी, जो सुषुप्त बोध में स्थित है वह संसार के किसी क्षोभ से चलायमान नहीं होता, जैसे पर्वत सर्वदा काल में क्षोभायमान नहीं होता और भूकंप में सब वृक्षादिक चलायमान होते हैं पर अस्ताचल पर्वत कंपायमान नहीं होता, तैसे ही ज्ञानवान चलायमान नहीं होता। जैसे पर्वत सब काल में सम रहता है और तरु उग के गिर पड़ता है, पर्वत ज्यों का त्यों रहता है, तैसे ही ज्ञानवान अनेक प्रकार की क्रिया में सम रहता है। हे राम जी, ऐसी सुषुप्त दशा अभ्यास योग से प्राप्त होती है। जब यह दशा प्राप्त होती है तब उसको तत्ववेत्ता तुरिया पद कहते हैं, सो परमानंद स्वरूप है, सो उसमें सब दुख नष्ट हो जाते हैं और असंसक्त हो जाता है। जब मन का मनन भाव निवृत्त हो जाता है तब ज्ञानवान को परम सुख उदय होता है और उससे वह परमानंद हो जाता है। जो इस संसार को लीला रूप देखता है और सर्व शोक से रहित निर्भय होता है उससे संसार भ्रम दूर हो जाता है। जब तुरिया पद में प्राप्त होता है तब संसार में फिर नहीं गिरता। जो यत्नवान पुरुष परम पावन पद में स्थित हुए हैं वे संसार की अवस्था को देखकर हंसते हैं। जैसे पहाड़ पर बैठा पुरुष नगर को जलता देखकर हंसता है, तैसे ही ज्ञानवान आत्मानंद को पाकर संसार के कार्यों में दुख जानकर हंसता है। हे राम जी, तुरिया अवस्था में स्थित होने से अविनाशी होता है और आत्मरूप आत्मबोध से आनंदित है। जब ऐसे तुरिया पद को प्राप्त होता है तब जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है और अभिमान आदि कलना से रहित परम ज्योति में लीन होता है। नमक की गोली समुद्र में जल रूप हो जाती है, तैसे ही वह आत्मरूप हो जाता है। इति श्री योग वासिष्ठे उपशम प्रकरणे
संसक्त चिकित्सा नाम पंचषष्टितम सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब तक तुरिया पद में स्थित रहता है तब तक केवल जीवन मुक्त होता है, और इसके उपरांत विदेह मुक्त तुरिया तीत है, सो वाणी का विषय नहीं। जैसे आकाश को भुजा से कोई नहीं पकड़ सकता, तैसे ही तुरिया तीत वाणी का विषय नहीं। तुरिया विगत से विश्रांत दूर हो विदेह मुक्ति पाता है। अब तुम कुछ काल ऐसी अवस्था में स्थित हो रहो, फिर परमानंद पद में स्थित होना। हे राम जी, तुरिया अवस्था में जो स्थित हुआ है वह निर्द्वंद भाव को प्राप्त हुआ है। जब तुम अद्वैत दृष्टि रूप सुषुप्ति अवस्था में स्थित होगे तब जगत के कार्य भी करते रहोगे और सदा पूर्ण रहोगे, और तुमको उदय अस्त का भाव कदाचित न प्राप्त होगा। जैसे मूर्ति का लिखा चंद्रमा उदय अस्त को नहीं प्राप्त होता है, तैसे ही तू उदय अस्त को न प्राप्त होवेगा। हे राम जी, इस शरीर को अपना जानकर जीव राग द्वेष से जलता है, और जिस पदार्थ का सन्निवेश होता है उसके नष्ट हुए नष्ट हो जाता है। जैसे मृत्तिका का अन्वय घट में होता है पर घट के नाश हुए मृत्तिका का नाश नहीं होता, तैसे ही तुम भ्रम को मत अंगीकार करो। तुम सदा ज्यों के त्यों हो, तुम्हारा सन्निवेश इसमें कुछ नहीं। इससे ज्ञानवान देह के नाश हुए शोकवान नहीं होता, और देह के स्थित हुए सुखी भी नहीं होता, क्योंकि उसका देह के साथ कुछ संबंध नहीं। जो तत्वदर्शी पुरुष है वह यथा प्राप्ति में निर्दोष होकर विचरता है, और अभिमानादिक विकारों से रहित निर्मल आकाशवत है। जैसे शरत काल की रात्रि में चंद्रमा से आकाश निर्मल होता है, तैसे ही मन की वृत्ति विकारों से रहित होकर आत्मपद में स्थित होती है, संसार की ओर नहीं गिरती। जैसे योग मंत्र तप और सिद्ध से संपन्न पुरुष आकाश में उड़ता जाता है और फिर पृथ्वी पर नहीं गिरता। हे राम जी, तुम भी अपने प्राकृत भाव में स्थित होकर यथा प्राप्त क्रिया को करते निर्द्वंद रहो। तुम भी अब स्वरूप के ज्ञाता हुए हो और परम पद में जाकर अपने स्वरूप को प्राप्त हुए हो, इससे पृथ्वी में विशोकवान होकर विचरो। तब अनिच्छा से इच्छा को त्याग कर शीतल प्रकाश अंधकार तप्त और मेघ से रहित शरत काल के आकाशवत निर्मल शोभोगे। हे राम जी, यह जगत चिदानंद स्वरूप है और आदि अंत से रहित है। जो अहं त्वं आदिक भ्रम से रहित है उसमें स्थित हो। आत्मा केवल अव्यक्त और चिंता से रहित है, उसका शरीर के साथ संबंध कैसे हो। आत्मा आदिक नाम भी उपदेश व्यवहार के लिए कल्पे हैं। वह तो नाम रूप भेद और भय से रहित अशब्द पद है, और वही जगत रूप होकर स्थित हुआ है। जगत कुछ भिन्न वस्तु नहीं। जैसे जल तरंग रूप भासता है सो जल से भिन्न नहीं, तैसे ही आत्मा से भिन्न जगत नहीं। और जैसे समुद्र सब जल रूप है जल से कुछ भिन्न नहीं, तैसे ही सब जगत आत्म रूप है भिन्न नहीं। जैसे जल और तरंगों में भेद नहीं और पट और तंतु में भेद नहीं, तैसे ही ब्रह्म और जगत में भेद नहीं।